So hello everyone. So this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रही है, राइट? So आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए, और बढ़िया बनाने के लिए, और मजेदार बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स का रिविजनरी वीडियो फॉर द अपकमिंग नवंबर 23 एग्जामिनेशंस. ठीक है जी. तो हर एक बच्चा जो नवंबर 23 के एग्जाम्स दे रहा है ना भाई, तुम ये रिविजनरी वीडियो जरूर देखना. इट इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. एंड फटाफट यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. नाउ ये जो पार्टिकुलर नोट्स हैं जो मैं आपके साथ यूज करने वाला हूं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है. तो काइंडली आप वहां से क्या कर लीजिए सर, डाउनलोड कर लीजिए बिफोर रेफरिंग द नोट्स विथ मी. आप चाहें तो मेरे साथ रिवाइज करके आईसीआई के स्टडी मैट को भी यूज कर सकते हो. तो आपको दिखेगा कि कवरेज बहुत एग्जॉस्टिव है एंड वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स नीडेड फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मैट एज वेल. एंड इसके अंदर मैं वो सारे पोर्शंस भी लूंगा रिवीजन के अंदर जो नॉर्मली अपन प्रोफेशनल एथिक्स में इग्नोर कर देते हैं. तो देखना सर, अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो नॉर्मली कौन कौन से एरियाज हैं जो अपने को इस चैप्टर में देखनी है? सर शेड्यूल्स देखना है, दैट वी नो. शेड्यूल्स देखना है, दैट वी नो. बट अपार्ट फ्रॉम द शेड्यूल्स और क्या क्या देखना है सर? एक ओवरव्यू ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स का टॉपिक है, इंडिपेंडेंस का टॉपिक है, अपने को वो देखना है. दिस इज वन ऑफ द टॉपिक दैट इज अंडररेटेड, दैट इज इग्नोर्ड. उसके अलावा सीए एक्ट का टॉपिक है, वो देखना है. उसके अलावा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 का टॉपिक है, वो देखना है. तो ओवरऑल कुल मिलाकर सर ये चार टॉपिक्स आपको देखने हैं इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, इन द प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर. ठीक है जी. तो सबसे पहले अगर ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें सर तो कोड ऑफ एथिक्स को ना चार भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वी हैव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन पार्ट 4A एंड पार्ट 4B. प्योरली थियोरेटिकल है, मे बी एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट कभी आपसे टेस्ट कर ले. तो पार्ट 1 की बात करें तो दैट टॉक्स अबाउट कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. पार्ट 2 की बात करें दैट टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस. पार्ट 3 की बात करें दैट टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस. एंड पार्ट 4A एंड पार्ट 4B बेसिकली इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है. पार्ट 4A में भी कवर इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स. एंड पार्ट 4B में यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट इज इंडिपेंडेंस फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स. ठीक है जी. अब देखना सर यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिस्कस्ड इन द कोड ऑफ एथिक्स. तो कुल मिलाकर सर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो अपन कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ते हैं, जिसका जिक्र आप ऐसे 200 में भी करते हो. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, देन वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देन वी हैव प्रोफेशनल बिहेवियर. ठीक है. अब सर इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है सर? इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, कि एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको हर सर्कमस्टेंस में ईमानदार रहना है. एंटरिंग इनटू ऑल बिजनेस रिलेशनशिप आपको ईमानदार रहना है. कोई भी रिपोर्ट आपको क्या नहीं करना सर, मिसलीडिंग वे में जनरेट नहीं करना. यू डोंट हैव टू बी एसोसिएटेड विद एनी रिपोर्ट, एनी रिटर्न, एनी कम्युनिकेशन दैट इज रॉन्ग, दैट इज मिसलीडिंग, क्योंकि आपको इंटीग्रिटी के साथ काम करना है. तो ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस और एनी इन्फॉर्मेशन वेयर द अकाउंटेंट बिलीव्स कि वो जो इन्फॉर्मेशन है फॉल्स है या मिसलीडिंग है, या फिर नेग्लिजेंटली वो इन्फॉर्मेशन, नेग्लिजेंटली कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओमिट किया जा रहा है, प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है. क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन झूठा है तब भी वो मिसलीडिंग है, और कोई इंफॉर्मेशन झूठा है तब भी वो मिसलीडिंग है. दिस यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट. उसके अलावा बोला गया सर कि अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देता है इन दिस रिस्पेक्ट, तो माना जाएगा कि उसने कोई ब्रीच नहीं किया है इंटीग्रिटी के रिक्वायरमेंट का. तो अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या कर देता है सर, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देता है, तो माना जाएगा कि उसने कोई ब्रीच नहीं किया है इंटीग्रिटी के रिक्वायरमेंट का. और यदि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को लगता है कि यार मुझे डिसएसोसिएट कर देना चाहिए, मुझे इस क्लाइंट के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहिए, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या कर सकता है सर, अपने आप को डिसएसोसिएट भी कर सकता है. उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल. ऑब्जेक्टिविटी के अंदर सर मेनली 3 बातें हैं. एक, अपने को बायस्ड वे में ओपिनियन नहीं देना. दूसरा, अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. और तीसरा, अपन किसी के अंडू इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेंगे, अपन किसी के प्रभाव में काम नहीं करेंगे. तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिविटी में ये 3 चीजें होनी चाहिए. उसके बाद आता है सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की बात करें तो इसका मतलब अपने को ना, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को ना, अपना प्रोफेशनल स्किल एंड नॉलेज एक्सरसाइज करना है, और प्रोफेशनल स्किल एंड नॉलेज एक्सरसाइज करके कॉम्पिटेंस के साथ काम करना है, कंप्लाइंग विथ ऑल द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. एंड साथ ही साथ डिलीजेंटली काम करना है, नेग्लिजेंस नहीं दिखाना, डिलीजेंटली काम करना है, एज पर द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स काम करना है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. उसके बाद आता है सर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात करें ना, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर याद रखिएगा सर कि ऐसे 200 के अंदर अपन कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें डिस्कस करते हैं, और उसके अलावा क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर भी अपन कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें डिस्कस करेंगे। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी इज समथिंग दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज टू मेंटेन ड्यूरिंग द असाइनमेंट एंड इवन आफ्टर द प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैज एंडेड। कुछ लोगों को लगता है कि सर असाइनमेंट में जब जुड़े हुए हैं तब तो कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट को अवॉइड करना है, बट अगर हमारा प्रोफेशनल असाइनमेंट खत्म हो गया तो उसके बाद अपन कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट को ब्रीच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द असाइनमेंट तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है। इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर भी नहीं होना चाहिए, मतलब नेग्लिजेंटली गलती से डिस्क्लोजर भी नहीं होना चाहिए क्लाइंट का कोई भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन का। एंड जब प्रोफेशनल रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा ना सर, उसके बाद भी अपने को कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है। और ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अलाउड है सिर्फ 3 सर्कमस्टेंसेस में। पहला लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो आप लॉ को मना नहीं कर सकते हो, लॉ ज्यादा पावरफुल है। दूसरा प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, आईसीआई कहता है मे बी पीयर रिव्यू के तहत आपसे वर्किंग पेपर्स मांगे जा रहे हैं आपके, और तीसरा आपके क्लाइंट ने ही आपको ऑथराइज कर दिया है। तो ये 3 सर्कमस्टेंसेस है जहां आप कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हो सर, ब्रीच कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है सर प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद क्या आता है, प्रोफेशनल बिहेवियर सेक्शन 115। तो प्रोफेशनल बिहेवियर सब सेक्शन 115। तो प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब हो गया सर, कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे इंस्टीट्यूट की बदनामी हो। अपने को समझना होगा कि वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर मदर इंस्टीट्यूट, वी आर रिप्रेजेंटिंग आईसीएआई। तो अपने को कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि इंस्टीट्यूट की बदनामी हो। अपने को ईमानदार रहना है, हॉनेस्ट रहना है, ट्रुथफुल रहना है। अपने को ना एक्साग्रेटेड क्लेम्स नहीं करना, मतलब पता चला कि यार अपन उतना काम करते नहीं जितना अपन अपना बोस्ट करते हैं, अपने तारीफों का पुल बांधते हैं। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपने को ऐसा नहीं करना यार कि खुद को एग्जैगरेट करके दिखा रहे हैं, सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, अपने काम को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो वो कितना खराब काम कर रहा है, देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। अपने को किसी तरीके से क्या नहीं करना सर, एडवर्टाइजिंग नहीं करना। इनडायरेक्टली अपने को क्या नहीं करना सर, एडवर्टाइजिंग नहीं करना। दूसरे को नीचा दिखाकर, अपने काम को सुपीरियर दिखाकर क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करना। ये सारी चीज अपने को नहीं करनी है। This is what comes in the professional behavior. The professional accountant shall be honest and truthful and should not make exaggerated claims for the services they are able to offer, the qualification they possess and the experience they have gained. पता चला भैया मैं ये फलाना सर्विस रेंडर करता हूँ, वो रेंडर करता हूँ, मेरे पास इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, ऐसा काम अपने को नहीं करना है। और डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेज और अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजन टू द वर्क ऑफ अदर्स, जबरदस्ती अपने को अपने काम को दूसरे से कंपेयर करना, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने काम को बेहतर दिखाना, ये सारी चीजें अपने को नहीं करनी है। एंड एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्स टू एडवर्टाइज एनी प्रोफेशनल ऑब्लिक अदर फैक्ट्स व्हिच आर इन वायलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस, तो ऐसा भी अपने को नहीं करना है। तो ऐसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट मेरे को क्या करना है सर, सारे के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा, या ऐसा हो सकता है कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करने जाऊं तो दूसरा वायलेट हो रहा है, दूसरा को फॉलो करने जाऊं तो तीसरा वायलेट हो रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो करने जाऊं तो इंटीग्रिटी वायलेट हो रहा है, इंटीग्रिटी को फॉलो करने जाऊं तो कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या बोलूंगा मैं कि अब मैं क्या करूं, आई एम इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अब मैं क्या करूं। तो अब मैं बातचीत करूंगा, अब मैं कंसल्ट करूंगा। किससे कंसल्ट करूंगा सर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करूंगा, दोस्त आदत गवर्नेंस से कंसल्ट करूंगा, इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करूंगा, लीगल काउंसिल से कंसल्ट करूंगा, इन लोगों से मैं कंसल्ट करूंगा। बट इन लोगों से कंसल्ट करने से क्या मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी? द आंसर इज नो। इन लोगों से कंसल्ट करने से भी मेरी जिम्मेदारी कम नहीं होगी, मैं अपने रेफरेंस के लिए, अपनी मदद के लिए इनसे कंसल्ट ले सकता हूं। तो सर मेरे को क्या करना है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। लेकिन बोलना आसान है भाई कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ये 5 सिद्धांत फॉलो करने हैं, 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, प्रैक्टिकली उतना आसान भी नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, हमेशा पॉसिबिलिटी है कि कुछ थ्रेट्स रहे इन कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देयर माइट बी सम थ्रेट, फॉर एग्जाम्पल अपन 5 तरीके के थ्रेट्स देखेंगे सर कि 5 तरीके के थ्रेट्स होते हैं इन कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो अब मेरे को क्या करना है सर, मेरे को ना इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन कौन से खतरे हैं, ऐसी कौन कौन से रुकावटें हैं, ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो मेरे को रोकने वाला है इन कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। उन थ्रेट्स को मेरे को ना इवैल्युएट करना है। अब थ्रेट्स को इवैल्युएट करने के बाद मेरे को देखना है कि सर मैं उस थ्रेट को क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्टेबल लेवल पे ला सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सर थ्रेट को एलिमिनेट करना मुश्किल होता है, बट मैं थ्रेट को क्या कर सकता हूँ सर, एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकता हूँ। तो आई नीड टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। To compliance with the fundamental principles, I need to evaluate the threats and I need to address the threats by eliminating or reducing them to an accept level. पहला कोशिश होगा eliminate कर सकूं, but eliminate नहीं कर पाया तो सर एटलीस्ट reduce कर सकूं उनको to an acceptable level. और threats मिला के सर कुल मिला के 5 categories में divided है. एक होता है self interest threat, एक होता है self review threat, एक होता है advocacy threat, एक होता है familiarity threat, एक होता है intimidation threat. तो मेरा अगर कोई self interest threat है client के साथ, क्या सर मेरा कोई self interest threat है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कि वहां पे क्या हो रहा है यार कि मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, अगर मैं क्लाइंट के बारे में मॉडिफाइड ओपिनियन जारी कर देता हूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, या तो पर्सनल लॉस हो जाएगा या फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, तो हो सकता है कि मैं इंडिपेंडेंटली काम ना कर पाऊं, उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. एक होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि कोई काम मैंने ही करेक्ट किया है, क्लाइंट क्लाइंट का कोई काम मैंने ही किया है या मैंने ही करवाया है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने ही बनाए हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैंने ही डिजाइन किया है, और उसके बाद मेरे को उसी चीज को रिव्यू करने को दिया जा रहा है, तो सर कोई काम मैंने ही करा है, मेरे ही जजमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज हुई और फिर बाद में मेरे को ही रिव्यू करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो भी एक थ्रेट है कि मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करूंगा. तीसरी चीज है सर एडवोकेसी थ्रेट. एडवोकेसी थ्रेट का मतलब है मैं क्लाइंट को एडवोकेट कर रहा हूं, मैं क्लाइंट को प्रमोट कर रहा हूं, तो अगर मैं क्लाइंट को एडवोकेट कर रहा हूं, मैं क्लाइंट को प्रमोट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का आईपीओ मैंने लॉन्च करा है, क्लाइंट के आईपीओ को मुझे मैनेज करना है, क्लाइंट को बिजनेस मेरे को दिलाना है, क्लाइंट का आईपीओ का सक्सेस मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं क्लाइंट को एडवोकेट कर रहा हूं, वहां मैं क्लाइंट के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं, तो इन दैट सिचुएशन सर मेरा ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. उसके बाद होता है फैमिलिटी थ्रेट. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. तो भैया बहुत लंबा रिलेशन है क्लाइंट के साथ, बहुत लंबे समय से क्लाइंट के साथ दोस्ती चल रही है, याराना चल रही है, 40-50 साल का रिलेशन है, तो इन दैट सिचुएशन एक यार बॉन्डिंग बन जाती है, एक सिंपैथेटिक बिहेवियर बन जाता है, तो वो सिंपैथेटिक बिहेवियर बहुत खतरनाक है. सो दैट इज वाई आई से रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का भी कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ है कि आपको क्या करना होगा सर, रोटेट करना होगा. एक सीए फर्म 40-50 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता, तो उस चीज को कहते हैं सर फैमिलिटी थ्रेट. और पांचवा होता है इंटिमिडेशन थ्रेट. आपका क्लाइंट आपको धमका रहा है, आपका क्लाइंट आपको डरा रहा है, आपका क्लाइंट आपको धमका रहा है, आपका क्लाइंट आपको डरा रहा है, अपना अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है. मिस्टर ऑडिटर तो हमारे खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग जारी करेगा, हम तेरा ऑडिट फीस कम कर देंगे. मिस्टर ऑडिटर हम तेरे खिलाफ लिटिगेशन फाइल कर देंगे, तेरे खिलाफ केसेस फाइल कर देंगे, तेरे को निकाल देंगे, तेरे को असाइनमेंट से बाहर कर देंगे, किसी और को ऑडिट कर देंगे, इस तरीके की चीजें. तो ये होता है सर इंटिमिडेशन थ्रेट. तो यहां एग्जांपल्स दिए हैं व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट मे क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट. एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं. तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब वही हो गया सर, मेनली या तो पर्सनल इंटरेस्ट है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, कंपनी से मोटा फीस आता है, कंपनी को खोने का डर है, तो वो सारा क्या हो गया सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. सेल्फ रिव्यू थ्रेट की सर मैंने एश्योरेंस का काम किया है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तैयार किया है, तो ये हो गया सारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट. उसके बाद एडवोकेसी थ्रेट की मैं ही क्लाइंट के क्या कर रहा हूँ सर, शेयर्स को एडवोकेट कर रहा हूँ, क्लाइंट को लिटिगेशन में असिस्ट कर रहा हूँ, क्लाइंट का कोई केस चल रहा है सेबी के वहां पे और मैं ही क्लाइंट का लॉयर हूँ, मैं ही क्लाइंट को एडवोकेट कर रहा हूं, क्लाइंट को डिफेंड कर रहा हूं. तो ये होता है सर सारा का सारा एडवोकेसी थ्रेट. उसके बाद होता है फैमिलिटी थ्रेट. तो लंबी दोस्ती, लंबा याराना, क्लोज इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, राइट. तो क्लोज रिलेशनशिप है, लॉन्ग एसोसिएशन है, ऑडिट टीम का लॉन्ग एसोसिएशन है विद द ऑडिट क्लाइंट. तो ये हो गया फैमिलिटी थ्रेट. एंड उसके बाद होता है सर इंटिमिडेशन थ्रेट, जहां क्लाइंट आपको धमका रहा है, डरा रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा, तुम्हारा प्रमोशन रोक देंगे, तुमको नया क्लाइंट नहीं देंगे, तुमको नए ब्रांचेस का ऑडिट नहीं देंगे, तुमको निकाल देंगे, तुम्हारा फीस कम कर देंगे, इस तरीके की चीजें. अब ये होता है सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट. सेकंड स्टेप होता है इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट. मेरे को क्या करना है, या तो थ्रेट को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है या एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आना है. अब ये चीज मैं कैसे करूंगा सर, मैं परफॉर्म करूंगा RITP टेस्ट, रीजनेबल एंड Informed Third Party Test. इसका क्या मतलब होता है सर, RITP टेस्ट, Reasonable and Informed Third Party Test. इसका मतलब सर एक थर्ड पार्टी जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, बट एक ऐसा थर्ड पार्टी जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यदि वो थर्ड पार्टी मेरे काम को इवैल्यूएट करे और वो थर्ड पार्टी मेरे काम को इवैल्यूएट करके, मेरी परिस्थितियों को इवैल्यूएट करके, पॉलिसीज जो भी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, उनको इवैल्यूएट करके वो थर्ड पार्टी बोले कि भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि आप इम्पार्शियल मैनर में काम कर पाएंगे, तो इसका मतलब हम सही मायनों में हम इम्पार्शियल मैनर में काम कर पाएंगे। तो या तो वी कैन इमेजिन दैट अगर हम थर्ड पार्टी होते तो हम क्या कंक्लूड करते, हम क्या ओपिनियन निकालते कि क्या मैं ईमानदारी से काम कर पाऊंगा, इम्पार्शियल मैनर में काम कर पाऊंगा, या सचमुच अगर मैंने कोई थर्ड पार्टी हायर करा है तो वो थर्ड पार्टी क्या ओपिनियन देगा कि क्या मैं इम्पार्शियल मैनर में काम कर पाऊंगा, वो क्या कंक्लूजन फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं आरआईटी पे थ्रेट। और फिर मेरे को क्या करना है सर, एड्रेस करना है इन थ्रेड्स को, एड्रेस करके कोशिश करना है सर एलिमिनेट कर सकूं, एलिमिनेट ना कर सकूं तो कम से कम एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकूं, और अगर ऐसा मैं नहीं कर सकता तो नॉर्मली आई डिसाइड कि मेरे को क्या नहीं करना सर, कंटिन्यू नहीं करना विद द असाइनमेंट, कंटिन्यू नहीं करना विद द एसोसिएशन। और उसके बाद सर स्टेप नंबर लास्ट आता है सेफगार्ड्स। अब मेरे को कुछ सेफगार्ड्स लगाने हैं, थ्रेड्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मेरे को सेफगार्ड्स लगाने हैं, प्रोटेक्शन अप्लाई करना है। अब सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं सर, तो अलग अलग सेफगार्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को हटाने का सेफगार्ड क्या हो सकता है सर, कि मैंने अलग बंदा हायर कर लिया, मैंने अलग पार्टनर को काम एलोकेट कर दिया। सेल्फ रिव्यू थ्रेट को हटाने का तरीका क्या हो सकता है सर, कि मैंने रिव्यू करने के लिए किसी ऐसे टीम मेंबर को दे दिया जो उस पार्टिकुलर चीज को डिजाइन करने में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद सिमिलरली सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट या फैमिलिटी थ्रेट को हटाने का भी तरीका हो सकता है। अपन नए बंदे हटा सकते हैं, अपन एग्रीमेंट सेंटर कर सकते हैं, वी कैन आउटसोर्स द वर्क टू ए न्यू सीए फर्म, वी कैन हायर मोर क्वालिफाइड पर्सनल। तो इस तरीके से काफी सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग सेफगार्ड्स हो सकते हैं टू रिड्यूस दोस थ्रेट्स। तो ये हो गया सर अपना ओवरव्यू टू द कोड ऑफ एथिक्स। तो चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द एरिया जो अपन इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वाला पार्ट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वाले पार्ट की बात करें सर, तो सबसे पहले आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, दैट इज मेंबर्स टू बी इन प्रैक्टिस। तो अगर एक इंस्टीट्यूट का मेंबर रेम्यूनरेशन के बदले यानी कंसिडरेशन के बदले ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, तो माना जाएगा कि वो इन प्रैक्टिस है। कौन सी सर्विसेज, अकाउंटिंग के सर्विसेज, ऑडिटिंग के सर्विसेज, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सर्विसेज, सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सर्विसेज, या प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करता है, या किसी प्रकार की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर एक इंस्टीट्यूट का मेंबर अकाउंटेंसी की सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑडिट की प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर करता है, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और रेम्यूनरेशन के बदले करता है, कंसिडरेशन के बदले करता है, फ्री में नहीं करता है, तो मानेंगे कि वो इन प्रैक्टिस है। और उसके बाद देखना होगा सर उसने सीओपी ले रखा है या नहीं ले रखा है। सीओपी ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, सीओपी नहीं ले रखा है तो फिर उसके ऊपर लगने वाला है पेनल्टी, ठीक है जी। ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रखा है तो उसके ऊपर लगने वाला है पेनल्टी। उसके बाद आता है सर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि एक सीए इन प्रैक्टिस क्या कर सकता है सर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और अगर रेम्यूनरेशन के बदले वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो माना जाएगा कि वो इन प्रैक्टिस है, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है। बट एक चीज याद रखिएगा सर, एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट भले ही मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कंपनी का अगर एक स्टैट ऑडिटर है ना, तो वो स्टैट ऑडिटर कभी भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। याद करो सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट, की कंपनी का जो स्टैट ऑडिटर होगा ना, वो कभी भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या चीजें आ गई, तो ऑल दोस थिंग्स दैट रिलेट्स टू कंसल्टेंसी, दैट इज अदर देन ऑडिटिंग, दैट इज अदर देन टैक्सेशन। जैसे मे बी ईडीपी कंसल्टेंसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कंसल्टेंसी हो गया, मे बी वी आर एक्टिंग लाइक ए एडवाइजर टू द इशू, मे बी अपन मार्केट रिसर्च करके दे रहे हैं, मे बी अपन क्लाइंट के लिए स्टाफ अपॉइंट करके दे रहे हैं, मे बी अपन सम काइंड ऑफ रिपोर्ट बना के उनको दे रहे हैं, मे बी अपन उनके एनवायरमेंटल ऑडिट्स वगैरह कर रहे हैं, एनर्जी ऑडिट्स वगैरह कर रहे हैं, मे बी अपन उनके लिए हायरिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। मे बी अपन उनके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम कर रहे हैं, वी आर एक्टिंग लाइक ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर देम, मे बी अपन उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जीएसटी की सर्विसेज हो गई, उनके रिटर्न फाइलिंग डेट्स को मॉनिटर करना है कि कब तक रिटर्न फाइलिंग वगैरह करनी है, कब तक जीएसटी वगैरह पे करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर अपन एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्ट कर रहे हैं। सो ये सारा कुछ किसके अंदर आ गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर आ गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा सर, there are some prohibited services for a CA in practice, की एक CA in practice क्या-क्या नहीं कर सकता। तो एक CA in practice कभी भी pub में नहीं जा सकता। What is pub? एक CA in practice कभी भी pub में नहीं जा सकता। तो सर pub क्या हो गया, तो P for यहाँ पे we have portfolio management services, U for we have underwriting services, B for we have broking activities। तो एक तो CA in practice कभी भी pub में नहीं जा सकता, और उसके अलावा कुछ चीज एडिशनल है सर, जैसे कि वो NRI फंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो कैश कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। था. तो he cannot provide the NRI fund management services, he cannot provide the cash collection services, he cannot provide the insurance agency services. और यदि ऐसा पाया जाता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है सर, इन प्रोहिबिटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, तब क्या होगा? अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है, इन प्रोहिबिटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, तब क्या होगा? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. तो क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के तहत वो सीए गिल्टी होगा. उसके बाद आता है सर सेक्शन 5 दैट इज एसीए एंड एफसीए. तो जैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का मेंबर बन जाता है वो लेटर्स यूज कर सकता है एसीए, और 5 साल के बाद वो लेटर्स यूज कर सकता है एफसीए. बट काउंसिल को क्या करना पड़ेगा सर? इन्फॉर्म करना पड़ेगा, काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ेगा. उसके बाद आता है सेक्शन 6 सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी सर्टिफिकेट ऑन प्रैक्टिस. तो भाई अगर तुमको इंस्टीट्यूट का मेंबर तुम बन चुके हो बट उसके बाद अगर तुमको प्रैक्टिस करना है तो तुमको सीओपी लेना होगा, फ्री में तुम नहीं कर सकते हो. तो सीओपी लेने के लिए तुमको एप्लीकेशन देना होगा इंस्टीट्यूट को, सर्टन फीस वगैरह पे करनी होगी, उसके बाद इंस्टीट्यूट तुमको सीओपी देगा. ठीक है, तो कोई भी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट तभी प्रैक्टिस कर सकता है जब वो सीओपी ऑब्टेन कर ले, उससे पहले वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. A member who is not in practice cannot accept assignments to render services normally prescribed for a chartered accountant. वो ऐसा नहीं कर सकता है. For example, अगर एक chartered accountant issue करता है certificate of consumption without applying for COP, तो माना जाएगा कि वो guilty of misconduct है, because ऐसा करने के लिए उसको COP के लिए अप्लाई करना चाहिए था. Then a member of the institute having COP can also hold COPs of other institutes simultaneously to subject to the permission of other institutes. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं CS भी हूं, मैं CWA भी हूं, तो क्या मैं उनका COP पे रख सकता हूं? रख तो सकते हो सर, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा इन द कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. और उनका सीओपी वो अलाउ करेंगे कि नहीं, वो आपको उनके इंस्टीट्यूट से परमिशन लेना होगा कि भाई तुमने आईसीआई से सीओपी ले लिया, अब उसके बाद तुमको सीएस का सीओपी चाहिए तो सीएस इंस्टीट्यूट से परमिशन लो, आईसीडब्ल्यूए से सीओपी चाहिए वहां से परमिशन लो, तुम एडवोकेट भी हो तुमको वहां से बार काउंसिल से सीओपी चाहिए वहां से परमिशन लो. And then this point is very important. The provisions of the CA Act shall apply to the member even in the period of suspension when he has been removed temporarily by the institute due to professional or other misconduct. तो यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट के लिए कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि फिलहाल उसे बस सस्पेंड किया गया है, उसके डिग्री को छीना नहीं गया है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट तब भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज मिस्टर गोविंद इज होल्डिंग सीओपी ऑफ आईसीएआई एज वेल एज यू नो ऑफ एडवोकेट आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बाउंड बार काउंसिल. अब डिसिप्लिनरी कमिटी ने क्या किया, मिस्टर गोविंद के सीओपी को सस्पेंड कर दिया 3 महीने के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर मिसकंडक्ट. तो इन दैट पार्टिकुलर 3 मंथ्स वो ये नहीं बोल सकता कि अच्छा भाई मेरे पास बार काउंसिल का तो सीओपी है तो इन द कैपेसिटी ऑफ बार काउंसिल में आईटीएटी के पास जाऊंगा और केस लड़ूंगा. नहीं भाई, तुमको आईसीआई का रिस्पेक्ट रखना है, आईसीआई ने यहाँ पे तुमको रिमूव कराया ना ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, तो हर वो चीज जो तुम इन द कैपेसिटी ऑफ सीए कर सकते थे वो तुम अभी नहीं करोगे इवन इन द पीरियड ऑफ सस्पेंशन. Then we have section 7. Member in practice is prohibited from using a designation other than a chartered accountant. तो आपके पास भले ही multiple designations हो, आप CA भी हो, आप CS भी हो, आप CWA भी हो, आपके पास multiple designations हैं, but आप कोई और designation use नहीं करेंगे other than the designation chartered accountant. बाकी designations का आप सिर्फ abbreviations use कर सकते हैं, short form use कर सकते हैं, just to indicate the membership. That's it. बट यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है रिगार्डिंग द यूज ऑफ द वर्ड डॉक्टर कि अगर आपने डॉक्टरेट वगैरह कुछ किया हुआ है सर, तो इन दैट सिचुएशन आप डेजिग्नेशन सीए के साथ यूज कर सकते हो, और डॉक्टर पहले यूज करना है डॉक्टर बाद में यूज करना है वो आपकी मर्जी की बात है. परमिशन इसलिए है क्योंकि डॉक्टर यूज करने से अपना ही इज्जत भरेगा, अपने ही सीए प्रोफेशन का इज्जत भरेगा. देन ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट कैन नॉट डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट. राइट, वो ये डेजिग्नेट नहीं कर सकता है कि आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट. वो लेटर्स यूज कर सकता है, सीमा AICWA तो अब नहीं होता, तो वो लेटर्स यूज कर सकता है कि यू नो ही कैन जस्ट यूज द एब्रिविएशन टू शो दैट आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट, बट ही कैन नॉट डेजिग्नेट कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं. लेटर्स यूज कर सकता है. इट इज इम्प्रॉपर फॉर ए सीए टू स्टेट इन इस प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कि वो एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, कॉस्ट कंसल्टेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, यू नो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है. वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता. ए मेंबर इन प्रैक्टिस इज नॉट परमिटेड टू यूज द डेजिग्नेशन कॉर्पोरेट लॉयर. वो ऐसा भी वो कॉर्पोरेट लॉयर बोल के भी अपना डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकता. The member may apply for and obtain registration as category 4 merchant banker. Member क्या कर सकता है सर, अप्लाई कर सकता है और obtain कर सकता है registration as category 4 merchant banker. कोई दिक्कत की बात नहीं है. Members are permitted to mention membership of a foreign institute of accountancy. Mention तो कर सकते हैं हम membership of foreign institute of accountancy, but it depends on कि अपना क्या अपने गवर्नमेंट का अपने ICAI का क्या memorandum of understanding है उस foreign institute of accountancy के साथ. तो अगर हमारा जो memorandum of understanding है वो परमिट करता है तो हम उनके foreign membership को क्या कर सकते हैं सर, स्टेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. उसके बाद वी हैव सेक्शन 8 डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप. तो यहां पे आप देखोगे कि कुल मिलाकर ना 6 सर्कमस्टेंसेस दिया है कि एक पर्सन को डिबेयर कर दिया जाएगा फ्रॉम हैविंग हिज नेम एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, भले उसने क्या कर लिया सर, सीए के एग्जाम्स क्लियर कर लिया. तो 6 सर्कमस्टेंसेस है. पहला 21 इयर्स का एज उसने अटेंड नहीं करा है एट द टाइम ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द एंट्री ऑफ हिज नेम इन द रजिस्टर. दूसरा, वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, सो पागल है, दिमागी संतुलन खराब है एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वो पागल है. तीसरा, वो व्यक्ति अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया है और कोर्ट ने अभी तक उससे डिस्चार्ज नहीं किया है फ्रॉम हिज सर्टिफिकेट ऑफ इंसॉल्वेंसी. चौथा, वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है एंड उसने कोर्ट से ऐसा कोई सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं करा है कि वो जो इंसॉल्वेंसी था वो बिना कोई मिसफॉर्चून के था. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि कोर्ट शुड डिस्चार्ज द पर्सन फ्रॉम हिज इंसॉल्वेंसी ऑन द ग्राउंड दैट इंसॉल्वेंसी वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ यू नो दैट इंसॉल्वेंसी वाज ऑन द ग्राउंड जिसमें सीए का उस मेंबर का कोई गलती नहीं है, जिसमें उसका कोई मिसकंडक्ट नहीं है. तो अगर कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया हाँ जो इंसॉल्वेंसी हुआ है ना उसमें उसका कोई गलती नहीं था, उसमें कोई मिसकंडक्ट नहीं था, तब तो इन दैट सिचुएशन वो दोबारा से मेंबर बन सकता है, वरना नहीं बन सकता. पांचवा circumstances that if he has been convicted by a competent court of any offense involving moral turpitude, ऐसा कोई offense जो समाज की नजरों से गलत है. and छठा, that he has been removed from the membership of the institute for being guilty of professional or other misconduct. उसके बाद सेक्शन 20 रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर. तो ऐसा भी हो सकता है सर कि पहले मेरा नाम रजिस्टर में आ गया, पहले एक व्यक्ति का नाम रजिस्टर में आ गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया, बाद में नाम को रिमूव किया जा रहा है. वो कब किया जाएगा सर, या तो फीस पे नहीं करा, या तो उस बंदे का डेथ हो गया, ही हैज डाइड, मर गया वो, राइट, उसने फीस पे नहीं करा, या फिर वो बंदा खुद एप्लीकेशन दे रहा है, डिसेबिलिटीज ऑफ मेंबरशिप जो ऊपर दिया हुआ वैसा कुछ हो गया. तो इन ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस द काउंसिल कैन रिमूव द नेम ऑफ द मेंबर. और जब वो व्यक्ति दोबारा से फीस देगा तो इन दैट सर्कमस्टेंस उसके मेंबरशिप को रिस्टोर कर दिया जाएगा. रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप, इफेक्टिव डेट ऑफ रिस्टोरेशन क्या होगा अब देखना सर. अगर रिस्टोरेशन का एप्लीकेशन और रिक्विजिशन फीस विद इन वन ईयर ऑफ रिमूवल एप्लीकेशन दे दिया जाता है कि जो एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन और जो रिक्विजिशन फीस है वो दे दिया गया है विद इन द सेम ईयर ऑफ रिमूवल. जिस साल सीए को रिमूव किया ना, सेम साल एप्लीकेशन दे दिया कि प्लीज रिस्टोर माई नेम, और फीस भी पे कर दिया, तो हम ऐसा मानेंगे कि आपका नाम कभी रजिस्टर से रिमूव ही नहीं किया गया था. restoration shall be with effect from the date on which it was removed from the register. लेकिन अगर एप्लीकेशन आपने सेम ईयर में नहीं दिया है, फीस आपने सेम ईयर पे नहीं करा है, अगले साल पे कर रहे हो, तो जिस दिन फी पे करोगे उस दिन से रिस्टोरेशन माना जाएगा. और अगर रिस्टोरेशन ऑफ नेम बीओडी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर्स के हिसाब से है, एप्लेट ऑथोरिटी या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से है, तो उनके हिसाब से ही रिमूवल होगा. Then we have cancellation and restoration of COP. तो regulation 10 के अंदर लिखा हुआ है कि COP कब कब कैंसल हो सकता है. तो नेम ऑफ होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट या तो रजिस्टर से रिमूव हो गया, नेम ऑफ होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट या तो रजिस्टर से रिमूव हो गया, तो COP भी ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा. या फिर अगर काउंसिल सेटिस्फाई हो गया कि आपने जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया था वो झूठ बोलकर लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लिया था, तब भी वो सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा सर, कैंसल हो जाएगा. या फिर आपने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया, सीज टू प्रैक्टिस, या फिर आपने अपना फीस पे नहीं करा, तो ऑन ऑल दिस ग्राउंड सीओपी आपका क्या हो जाएगा सर, कैंसल हो जाएगा. सेक्शन 24 पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी ए मेंबर. एक ऐसा व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है बट रिप्रेजेंट करता है कि मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, या जिसके पास सीओपी नहीं है बट रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास सीओपी है, तो पेनल्टी लगने वाला है सर फर्स्ट कन्विक्शन में अप टू 1000 रुपए, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में 5000 रुपए तक का फाइन लगने वाला है, या 6 महीने तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है. फर्स्ट कन्विक्शन फाइन अप टू 1000 रुपीज, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकती है अप टू 5000 रुपीज, इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकती है अप टू 6 मंथ्स और बोथ. आपको लग सकता है सर पेनल्टी बस इतना ही लगेगा क्या, तो भाइयों ये पेनल्टी तो सिर्फ सीए एक्ट में दिया हुआ है. सेक्शन 465 ऑफ इंडियन पैनल कोड जो लगेगा वो अलग है, दैट इज डिफरेंट. तो ये तो सिर्फ सीए एक्ट का पेनल्टी है. अब अगला सेक्शन है सेक्शन 27 दैट इज मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिसर्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक सीए इन प्रैक्टिस का ना एक फर्म है और उनके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो अगर मल्टीपल ब्रांचेस है तो यार हर ब्रांच का ना एक सेपरेट इंचार्ज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेपरेट इंचार्ज भी होना चाहिए। और वो जो सेपरेट इंचार्ज है वो भी एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट होना चाहिए और वो उस पर्टिकुलर शहर में रहना चाहिए एटलीस्ट 182 डेज इन ईयर। कितना? एटलीस्ट 182 डेज इन ईयर जहां का वो सेपरेट इंचार्ज है। अब यहाँ पे सर एग्जम्पशंस दिया हुआ है। एग्जम्पशंस दिया हुआ है, एग्जम्पशन हैज बीन गिवन टू मेंबर्स प्रैक्टिसिंग इन हिली एरियाज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो सर जो हिली एरियाज के मेंबर्स है ना उनको सर्टेन एग्जम्पशंस दिया हुआ है कि आपको सेपरेट इंचार्ज अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सेपरेट इंचार्ज अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या एग्जम्पशन दिया है? सच मेंबर विल बी अलाउड टू ओपन टेम्पररी ऑफिस इन सिटी इन द प्लेन्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 3 months इन ईयर। कि साल में 3 महीने तक आप प्लेन एरिया में ऑफिस ओपन कर सकते हो, आप रीअलोकेट कर सकते हो, तो आपके ही बंदे यहाँ पे आ जाएंगे, आपको सेपरेट इंचार्ज की जरूरत नहीं है। नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन द टेम्पररी ऑफिसेज शुड नॉट बी डिस्प्लेड एट टाइम्स Other than the period such offer is permitted to function। लेकिन जो टेम्पररी ऑफिस होगा आपका वहां पे नेम बोर्ड सिर्फ उसी पार्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा जिस टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आप उस जगह पे आए हो। वो जो टेम्पररी टाइम पीरियड होगा उसमें आप अपना रेगुलर ऑफिस बंद नहीं करोगे और जो भी आपका लेटर हेड्स वगैरह होगा उसमें आप अपना टेम्पररी ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बताओगे, क्योंकि वो तो टेम्पररी ऑफिस है ना। वैसे तो आपका मान लीजिए कि लेटर से सीए फर्म उत्तराखंड में है, बट वहां जो स्नो वगैरह का प्रॉब्लम होता है, जो हिल्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से आप साल में 3 महीने तक दिल्ली में आते हो, तो आपका जो विजिटिंग कार्ड वगैरह रहेगा वहां तो उत्तराखंड ही आपका एड्रेस दिया रहेगा, वो तो आपका टेम्पररी ऑफिस का एड्रेस वहां नहीं दिया रहेगा और ना ही वो रेगुलर ऑफिस वहां पे बंद होगा। और सिर्फ 3 महीने तक ही ये चीज अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है और आपको आईसीआई को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम हिली एरियाज, और एग्जम्पशन कब मिलेगा? हम हिली एरियाज में नहीं बैठे बट अपने को सेपरेट इंचार्ज अपॉइंट नहीं करना, तब एग्जम्पशन कब मिलेगा? तो वो सेकंड ऑफिस अगर सेम प्रीमाइसेस में है, सेम बिल्डिंग में है, अगर वो सेकंड ऑफिस जो है सेम प्रीमाइसेस में है या सेम शहर में है या विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी में है, अगर वो जो हमारा सेकंड ऑफिस है वो सेम प्रीमाइसेस में है या सेम शहर में है या विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी में है जिसमें फर्स्ट ऑफिस सिचुएटेड है, तो अपने को वहां पे सेपरेट इंचार्ज की जरूरत नहीं है। सेक्शन 21 सर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर की बात करता है। अब देखना अपने शेड्यूल्स में ना 2 शेड्यूल है, एक शेड्यूल 1 है, एक शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 में अगर एक सीए इन प्रैक्टिस, शेड्यूल 1 के अंदर अगर एक सीए इन प्रैक्टिस ने, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ने, सीए इन सर्विस ने, किसी ने भी अगर कोई भी कांड किया है, कोई भी ऑफेंस किया है, तो वो मामला प्लेस किया जाता है बीओडी के सामने, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के सामने। और शेड्यूल 2 का कोई ऑफेंस किया है तो वो मामला प्लेस किया जाता है डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने। अब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के होते हैं लिमिटेड पावर्स और डिसिप्लिनरी कमेटी के होते हैं ज्यादा पावर्स। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास पावर होता है कि सर वो मेंबर को धमका के छोड़ सकता है, रिप्रिमेंड कर सकता है, 3 महीने तक रजिस्टर से नाम हटा सकता है या लाख रुपए तक फाइन लगा सकता है, ठीक है। और डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करें सर तो डिसिप्लिनरी कमेटी रिप्रिमेंड भी कर सकता है, वो परमानेंटली भी जो मेंबर का नाम है रजिस्टर से हटा सकता है और 5 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता है, 5 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता है। एक्ट के अंदर ही सर एक केवाईसी नॉर्म्स का पार्ट भी है कि हर सीए इन प्रैक्टिस को ना कुछ केवाईसी नॉर्म्स मेंटेन करना होगा, नो योर क्लाइंट नॉर्म्स मेंटेन करने होंगे, नो योर कस्टमर नॉर्म्स मेंटेन करने होंगे। अगर आपका क्लाइंट एक इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, तो आप उनका नाम मेंटेन कीजिए, उनका पैन नंबर लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, बिजनेस डिस्क्रिप्शन बताइए, कॉपीज ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताइए एंड टाइप ऑफ एंगेजमेंट बताइए। अगर आपका क्लाइंट एक कॉर्पोरेट एंटिटी है सो इन दैट सिचुएशन आप इंडिविजुअल का नाम बताइए, जो पेरेंट कंपनी है उनका नाम बताइए, बिजनेस डिस्क्रिप्शन बताइए, कॉपीज ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए, कंपनी का पैन नंबर बताइए, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर बताइए, उनके डायरेक्टर्स का नाम एड्रेस बताइए, डायरेक्टर्स का डीन नंबर बताइए एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बताइए। और अगर आपका क्लाइंट एक पार्टनरशिप फर्म है सर तो इन दैट सिचुएशन नेम एंड एड्रेस ऑफ एंटिटी बताइए, पैन नंबर बताइए, बिजनेस डिस्क्रिप्शन बताइए, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस बताइए, कॉपीज ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दीजिए एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बताइए। तो पहले सर हमने ये थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया रिवीजन में, जो नॉर्मली अपन इग्नोर कर देते हैं, अपन नेग्लेक्ट करते हैं। अब आ रहे हैं अपन अपने शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में। देखना आप स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, राइट। तो अगर शेड्यूल्स की बात करें सर तो हमारे पास 2 शेड्यूल्स है कुल मिलाकर, वी हैव 2 शेड्यूल्स। आप ये याद रखना कि शेड्यूल 1 नॉर्मली ना तब लगता है कि जब सीए अपने दफ्तर में बैठा होता है और शेड्यूल 2 नॉर्मली तब लगता है जब सीए अपने क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाता है, ठीक है, जब वो ऑडिट करने जाता है। अब शेड्यूल 1 के अंदर होते हैं 4 पार्ट्स एंड शेड्यूल 2 के अंदर होते हैं 3 पार्ट्स। क्या याद रखोगे? शेड्यूल 1 में होते हैं कितने 4 पार्ट्स और शेड्यूल 2 में होते हैं कितने 3 पार्ट्स, ठीक है जी। अब पहला जो पार्ट वन होगा शेड्यूल वन का वो किसके लिए होगा, प्रैक्टिस वालों के लिए होगा। फिर किसके लिए होगा, सर्विस वालों के लिए होगा। पहले प्रैक्टिस वालों के लिए, फिर सर्विस वालों के लिए, फिर जनरली सबके लिए, और फाइनली अदर मिसकंडक्ट। पहला तीन पार्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, आखिरी वाला अदर मिसकंडक्ट। सिमिलरली शेड्यूल टू के अंदर पहला वाला पार्ट प्रैक्टिस वालों के लिए, दूसरा सर्विस वालों के लिए। सर्विस वालों के लिए डालूं, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ चार पार्ट्स नहीं है, यहाँ तो तीन ही पार्ट्स हैं। तो एक सर्विस वालों के लिए, एक जनरली वालों के लिए कैसे अकोमोडेट होगा, नहीं हो सकता ना। एक अदर मिसकंडक्ट भी है तो सिर्फ जनरली वालों के लिए। एंड थर्डली इज अदर मिसकंडक्ट। तो ये याद रखना कि भाई आखिरी पार्ट जो है ना वो अदर मिसकंडक्ट है, बाकी सारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। यानी पार्ट फोर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट थ्री ऑफ द सेकंड शेड्यूल, इट इज अदर मिसकंडक्ट। अदर देन दैट एवरीथिंग इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है जी। अब पार्ट वन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स एंड प्रैक्टिस, कुल मिलाकर 12 क्लॉजेस हैं। पार्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स एंड सर्विस, कुल मिलाकर 2 क्लॉजेस हैं। पार्ट टू क्लॉजेस भी 2। पार्ट थ्री प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स जनरली 3 क्लॉजेस हैं। पार्ट थ्री क्लॉजेस भी 3। एंड पार्ट फोर अदर मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स जनरली 2 क्लॉजेस हैं। शेड्यूल टू टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, पार्ट वन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स एंड प्रैक्टिस, तो यहाँ कुल मिलाकर 10 क्लॉजेस हैं। पार्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स जनरली, कुल मिलाकर 4 क्लॉजेस हैं। एंड पार्ट थ्री वी हैव अदर मिसकंडक्ट। ठीक है। तो अब देखना सर यहाँ पे शेड्यूल वन के अंदर पार्ट वन में आते हैं तो क्लॉज वन एंड क्लॉज 12 आपको हमेशा साथ में पढ़ना होता है। क्लॉज वन क्लॉज 12 साथ में पढ़ना होता है, बाकी क्लॉजेस साथ में पढ़ने होते हैं। तो अगर क्लॉज वन की बात करें तो क्लॉज वन क्या कहता है, ए सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस in his name as a chartered accountant unless such person is also a chartered accountant in practice and in partnership with him or employed by him। कि भैया एक chartered accountant in practice deemed to be guilty of professional misconduct होगा यदि वो किसी और व्यक्ति को allow करता है, किस चीज के लिए, to practice in his name as a chartered accountant। लेकिन वो व्यक्ति भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है एंड या तो उसके साथ पार्टनरशिप में है या उसका एम्प्लॉय है, तब वो क्या कर सकता है सर, उसके बिहाफ में प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बिहाफ में प्रैक्टिस कर सकता है। दिस इज क्लॉज वन। अब देखना क्लॉज 12 भी मिलता जुलता है। क्लॉज 12 साइनिंग के बारे में है। क्लॉज 1 इज अबाउट अलाउिंग समवन एल्स टू प्रैक्टिस इन माय नेम एंड क्लॉज 12 इज अबाउट अलाउिंग समवन एल्स टू साइन इन माय नेम। तो देखिएगा क्लॉज 12 भी सर मिलता जुलता है। तो देखना सर क्लॉज 12। अब क्लॉज 12 किस चीज के बारे में बात करता है सर, साइनिंग के बारे में। कि अगर मैं एक सीएन प्रैक्टिस हूं, मैं डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होऊंगा, मैं डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होऊंगा इफ ही अलाउज ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ आईसीएआई इन प्रैक्टिस और ए मेंबर नॉट बीइंग ए पार्टनर टू साइन ऑन हिज बिहाफ और हिज फर्म एनी बैलेंस शीट, पी एंड एल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भैया मैं किसी और को अलाउ नहीं कर सकता टू साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द नेम ऑफ द फर्म। खाली अगर वो मेरा पार्टनर होगा तभी अलाउ कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता। खाली मेरा पार्टनर होगा तभी अलाउ कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता। आईसीआई तो होना ही, यू नो, मेंबर तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ मेरा पार्टनर भी होना चाहिए। तो क्लॉज 1 में बोला था कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं दूसरे मेंबर को जो कि मेरा पार्टनर है या मेरा एम्प्लॉय है अलाउ कर सकता हूं टू प्रैक्टिस इन माय नेम। और क्लॉज 12 बोल सकता है कि मैं, क्लॉज 12 बोलता है कि मैं दूसरे को अलाउ कर सकता हूं टू साइन इन माय नेम बट प्रोवाइडेड कि वो मेरा पार्टनर हो। बट यहां पे पार्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है सर, बैलेंस शीट, पी एंड एल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है। यानी वो सारे सर्कमस्टेंसेस की बात की जा रही है जहां पे अपने को ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। बट अदर देन दैट जो रूटीन डॉक्यूमेंट्स होंगे सर उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रूटीन डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें एक नॉन मेंबर भी साइन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पार्टनर नहीं है वो भी साइन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया क्लॉज 1 एंड क्लॉज 12। अब सर देखना क्लॉज 3 से लेकर क्लॉज 11, क्लॉज 3 से लेकर क्लॉज 11 आपको याद रखना है एक फ्लो में। मेरे साथ एक फ्लो में आप रिपीट करेंगे। ना देने का क्या बोलोगे, ना देने का क्या बोलोगे, ना देने का, ना लेने का, ना देने का, ना लेने का। क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 11 तक सर सॉरी फ्लो में याद रखोगे। ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का। ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का। ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का। ठीक है जी। ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का। ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। ठीक है। ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का। ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का। ठीक है। ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का। ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। लेकिन सर हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो सॉलिसिटेशन भी करेंगे, हम तो एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, हमें ऑडिट भी मिलेगा। तो जब ऑडिट मिलेगा तो पहले पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का। क्या करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेट करके क्या करना है, कम्युनिकेट करके अपने को 139, 140 141 का कंप्लायंस इंश्योर करना है। कम्युनिकेट करके अपने को क्या करना है, अपने को 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करना है। ठीक है जी, हमने कम्युनिकेट भी कर लिया, हमने 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर भी कर लिया। अब क्या करें सर, ऑडिट तो हो गया सर, ऑडिट तो हो गया सर, अब क्या करें? अब हम सोच रहे हैं कि काम करेंगे सर, क्लाइंट के साथ सेटिंग करेंगे, परसेंटेज बेसिस में फीस लेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। तो आईसीआई बोलता है परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं रखने का, परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं कमाने का। अब कैसे करूं, फिर क्या करूं मैं, कैसे पैसा कमाऊं मैं? दूसरा बिजनेस करूंगा, दूसरा धंधा करूंगा। आईसीआई कहता है दूसरा धंधा भी नहीं करने का, दूसरा बिजनेस भी नहीं करने का, दूसरा बिजनेस भी नहीं करने का। तो क्लॉज 1 क्लॉज 12 सिक्वेंस में हो गया था तुम्हारा, साथ में फ्लो में हो गया था प्रैक्टिस एंड साइनिंग का। क्लॉज 2 से क्लॉज 11 एक सिक्वेंस है, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, पुराने ऑडिटों को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेने का, दूसरा बिजनेस नहीं करने का। तो इसी तरीके से फ्लो में अपना क्लॉज 2 से 11 बनता है। तो क्लॉज 2 क्या है सर, ना देने का, ना देने का। ठीक है, याद रखिएगा सर, क्लॉज 2 एंड 3 के पर्पस के लिए हम लोग रेगुलेशन 53A में दिए गए प्रोफेशनल्स का नाम लेंगे, रेगुलेशन 53A में दिए गए प्रोफेशनल्स का नाम लेंगे। और क्लॉज 4 में जो पार्टनरशिप का क्लॉज है उसमें हम लोग रेगुलेशन 53A के साथ साथ रेगुलेशन 53B में दिए गए प्रोफेशनल्स का नाम लेंगे। ठीक है, रेगुलेशन 53B में दिए गए प्रोफेशनल्स का नाम लेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्लॉज 2 में क्या बोला है सर, आप किसी भी तरीके से अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी को दोगे नहीं, पे नहीं करोगे, या अलाउ नहीं करोगे, या एग्री भी नहीं करोगे टू पे, अनलेस एंड अंटिल वो बंदा भी एक इंस्टीट्यूट का मेंबर हो, आपका पार्टनर हो, रिटायर्ड पार्टनर हो, कम से कम आपके पार्टनर की विधवा हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर हो, कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना। अदरवाइज क्यों पे कर रहे हो आप किसी और को? आपको क्या क्लाइंट सिक्योर करना है, आपको क्या सेटिंग लगानी है, आपको क्या क्लाइंट्स आपको क्या करना है, गलत माध्यम से क्लाइंट्स लेने हैं, आप किस चीज का पेमेंट कर रहे हो? दूसरा बंदा आपका मेंबर है, दूसरा बंदा भी आईसीआई का मेंबर है, आपका पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर है, या जो भी पार्टनर पहले हुआ करता था वो डिसीज्ड हो चुका है, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, फॉर एग्जाम्पल द विडो। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जस्टिफाइड है, बट आते दिन आप क्यों पे कर रहे हो? या फिर वो सारे प्रोफेशनल जिनका नाम रेगुलेशन 53A ऑफ सीए रेगुलेशंस 1988 में दिया गया है, जिनका नाम रेगुलेशन 53A ऑफ सीए रेगुलेशंस 1988 में दिया गया है, जैसे कि सीए हो गया, सीडब्ल्यूए, एलएलबी, एक्चुअरी, बीई, बीटेक, एमबीए। उसके अलावा सर यहाँ पे पॉइंट आता है सेल ऑफ गुडविल इन क्लॉज 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर एक फर्म का गुडविल दूसरे फर्म को ट्रांसफर किया जा सकता है व्हेन एवर देयर इज अ सेल ऑफ द फर्म। खाली एक प्रोसेस दिया हुआ है कि एक एप्लीकेशन देना होगा इन राइटिंग दैट शुड बी फॉरवर्डेड बाय ए मेंबर जिसके पास सीओपी है, इंटीमेटिंग हिज इंटेंशन टू परचेज गुडविल, कि मैं आपका गुडविल परचेज करना चाहता हूं। और एप्लीकेशन देना पड़ेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ द मेंबर। जिस भी मेंबर का डेथ हुआ है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 1 साल के अंदर एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद वो जो फर्म का नाम होता है वो 1 साल तक ना एबेंस में रखा जाता है, होल्ड में रखा जाता है फ्रॉम द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर ऑब्लिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इफ एनी। तो जब भी प्रोप्राइटर का डेथ हुआ है ना उसके बाद 1 साल तक नाम को होल्ड में रखा जाता है, या मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है उस फर्म के नाम को लेकर, तो जब भी डिस्प्यूट सेटल हो जाए उसके बाद तक उसके बाद से 1 साल तक उस फर्म के नाम को होल्ड में रखा जाता है। उसके बाद क्लॉज 3 ना लेने का। तो अब एक सीएन प्रैक्टिस क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा एनी पार्ट ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ अदर्स अनलेस एंड अंटिल ही इज अ मेंबर, या फिर unless and until he is a person whose name is given in regulation 53A of CA regulations 1988। तो same logic applies here as well, ना देने का ना लेने का। ठीक है ना, देने का ना लेने का। लेकिन अगर कोई रेफरल फीस मिल रहा है amongst the members in practice for referring a client, that is allowed। कि आपस में एक सीए वालों ने कम्युनिटी बना रखी है, मैं अपने क्लाइंट को तेरे पास रेफर करूंगा, तो अपने क्लाइंट को मेरे पास रेफर करियो, अपने पास काम वगैरह एक्स्ट्रा होगा तो, एंड वी आर गोइंग टू पे यू अ सर्टेन रेफरल फीस, दैट इज अलाउड। उसके बाद क्लॉज 4 इज ना पार्टनरशिप एंटर करने का। अगेन क्लॉज 4 क्या बोलता है सर, आप किसी भी एरे गैरे के साथ पार्टनरशिप एंटर नहीं करोगे। आप पार्टनरशिप एंटर करोगे तो सीएन प्रैक्टिस के साथ करोगे, या उन प्रोफेशनल्स के साथ करोगे जिनका नाम रेगुलेशन 53B में दिया गया है, या फिर फॉरेन प्रोफेशनल्स के साथ भी कर सकते हो अगर उनके साथ कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह है। वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है उनके साथ कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह है, तो उनके साथ भी आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रेगुलेशन 53A, रेगुलेशन 53B, ए सीएन प्रैक्टिस पार्टनरशिप एंटर कर सकता है सीएन प्रैक्टिस के साथ, सीएस के साथ, सीडब्ल्यूए के साथ, एलएलबी के साथ, एक्चुअरी के साथ, आर्किटेक्ट के साथ, बीई के साथ, बीटेक के साथ, एमबीए के साथ। नॉर्मली एक सीए कभी भी क्या नहीं कर सकता, एक फॉरेन प्रोफेशनल के साथ पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट द पार्टनरशिप कैन नॉट बी एंटर्ड, एंड टिल नाउ देयर इज नो सच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक सीए क्या नहीं कर सकता सर, पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकता विद द फॉरेन प्रोफेशनल। अब याद रखिएगा सर, यहाँ पे मेंबर्स ना मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, मेंबर्स क्या नहीं कर सकते, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते टिल अदर प्रोफेशनल रेगुलेटर्स परमिट। जब तक दूसरे प्रोफेशनल रेगुलेटर्स परमिट नहीं कर देते और काउंसिल भी इस बारे में गाइडलाइंस जारी नहीं कर देती, तब तक मेंबर्स क्या नहीं कर सकते सर, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स फॉर्म नहीं कर सकते। तो नॉर्मली अपने को लगता है कि यस वी कैन फॉर्म एलएलपीज, बट अपने को यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक दूसरे प्रोफेशनल रेगुलेटर्स परमिट नहीं कर देते तब तक अपन मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप परमिट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या होगा सर, जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप एंटर नहीं कर पाएगा। नॉर्मली अपन ने डिस्कस करा कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप एंटर कर सकता है क्योंकि एडवोकेट इज ए प्रोफेशनल जिसका नाम रेगुलेशन 53B में दिया गया है। लेकिन क्योंकि बोला गया आगे कि भाई सीए क्या नहीं कर सकता, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकता जब तक बाकी प्रोफेशनल रेगुलेटर्स अलाउ नहीं करें, तो इसका इंप्लीकेशन ये निकल के आता है कि वो एक एडवोकेट के साथ भी पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद क्लॉज 5 इज किसी भी गलत तरीके से काम सिक्योर नहीं करोगे, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। क्लॉज 6 आप किसी भी माध्यम से क्या नहीं करोगे सर, सॉलिसिटेशन नहीं करोगे। बहुत लंबा क्लॉज है, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो एक सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वो सॉलिसिट करता है क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे? पीआर के थ्रू। पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया। एक सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सॉलिसिट करता है क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे? पिया के थ्रू, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। पीया को सर्कुलर देखकर वो काम सॉलिसिट नहीं कर सकता, पीया को सर्कुलर देके वो काम सॉलिसिट नहीं कर सकता। तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, आई फॉर इंटरव्यू हो गया, आई फॉर एडवर्टाइजमेंट हो गया, देन वी हैव सर्कुलर्स। अब इसके अंदर सर बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लॉज 6 के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी। रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स का एक पॉइंट है जिसको अब काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में शिफ्ट कर दिया गया है। देन एडवर्टाइजिंग फॉर यू नो सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम सेलिब्रेशंस। अगर अपन टीचिंग फील्ड में हैं तो इन दैट सिचुएशन अपन कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। उसके अलावा प्रेस में कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। टेलीफोन डायरेक्टरीज में अपना नाम वगैरह पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वेबसाइट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकता, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। रूविंग इंक्वायरीज, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों पे अपन आते हैं क्लॉज 6 में, जैसे कि वेबसाइट। सर अगर एक सीए वेबसाइट बनाता है तो याद रखिएगा क्या क्या चीज अलाउड नहीं है। एक तो वेबसाइट कभी भी पुश मॉडल पे नहीं बन सकता, वेबसाइट हमेशा पुल मॉडल पे बनता है, कभी पुश मॉडल पे नहीं बन सकता। मतलब जबरदस्ती आप यूजर को ड्रैग नहीं करोगे अपने वेबसाइट में। फुल साइज फोटोग्राफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेबसाइट में अलाउड नहीं होता। और जिन भी वेबसाइट्स का एजुकेशनल, जिन भी वीडियोज का एजुकेशनल रेलिवेंस नहीं होता वैसी वीडियोज वेबसाइट में नहीं डाली जा सकती है। तो जिन भी वीडियोज का एजुकेशनल रेलिवेंस नहीं होता उन वीडियोज को क्या नहीं किया जा सकता सर, वेबसाइट में नहीं डाला जा सकता है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, आपके क्लाइंट्स का नाम एंड आप क्या फीस चार्ज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग कि आप वेबसाइट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। आपका क्लाइंट का नाम, आप क्या फीस चार्ज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग कि आप वेबसाइट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल वो एक रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है और उस रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप वहां पे क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज कर रहे हो। उसके अलावा जो भी आपका वेबसाइट बनेगा उसमें ना सिर्फ आईसीआई रिलेटेड लिंक्स जा सकते हैं कि आपको आईसीआई का वेबसाइट हो गया, आईसीआई के रीजनल ब्रांचेस हो गया, काउंसिल्स हो गया, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया, आप सिर्फ इनके लिंक्स डाल सकते हो। बट नॉन आईसीआई नॉन गवर्नमेंट लिंक्स आप नहीं डाल सकते हो, बाकी वेबसाइट कुछ भी, कोई भी कलर वगैरह का बन सकता है, रेनबो कलर्स के भी वेबसाइट बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाली रेस्ट्रिक्शन यही है सर कि वेबसाइट जो है सिर्फ फुल मॉडल पे बनेगा, पुश मॉडल पे नहीं बनेगा। तो ये एक चीज है सर जो इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट वाला पार्ट। उसके अलावा क्लॉज 6 में अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हैं। टीचिंग वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग एक्टिविटीज बाय मेंबर्स। तो मैं सीएन प्रैक्टिस भी हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो भाई इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना वो क्या करे, मेरा नाम यूज करे, मेरा नाम हाईलाइट करे, बैनर्स वगैरह में लगाए। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो मेरा नाम यूज ना करे, होर्डिंग्स बैनर्स वगैरह में ना लगाए और हाईलाइट ना करे। वो ये यूज करे कि फॉर एग्जांपल ऑडिट में बहुत अच्छी फैकल्टी हमारे पास पढ़ाने वाली है, बट वो इस तरीके से वो पार्टिकुलरली ये यूज ना करे कि यू नो हमारे पास ऑडिट के अंदर यू नो सीए सानिध्या सराफ जो कि एक बहुत ही नामी फैकल्टी है वो पढ़ाने वाली है। नहीं, ऑडिट में बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, ये वो सारा कुछ बताओ, बट मेरे नाम को हाईलाइट मत करो, सो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन गिवन ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्लिक कोचिंग एक्टिविटीज। उसके बाद सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एजुकेशनल वीडियोस का पार्ट ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा सर एक रूविंग इंक्वायरीज का पार्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है क्लॉज 6 में, कि आप क्या नहीं करोगे सर, कभी भी रूविंग इंक्वायरीज नहीं करोगे, कभी भी रूविंग इंक्वायरीज नहीं करोगे, अरे मेरा सर्विस लेगा क्या, मेरा सर्विस लेगा क्या, मेरा सर्विस लेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं करोगे। दैट अमाउंट्स टू एडवर्टाइजमेंट। आप क्या नहीं करने वाले हो सर, कभी भी रूविंग इंक्वायरीज नहीं करने वाले हो। आप बुक्स लिख सकते हो क्या, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये चीज याद रखिएगा सर, सिर्फ सीए का नाम, सिर्फ सीए का नाम, फर्म का नाम बुक के अंदर आप डाल सकते हो। आप अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते बुक के अंदर। यू कैन नॉट हाईलाइट द प्रोफेशनल अटेनमेंट्स इन द बुक, यू कैन नॉट इंक्लूड द प्रोफेशनल अटेनमेंट्स इन द बुक। उसके बाद इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशन कार्ड्स, इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशन कार्ड्स। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी कोई ग्रीटिंग कार्ड वगैरह इश्यू करता है, ग्रीटिंग कार्ड या इन्विटेशन कार्ड वगैरह इश्यू करता है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो अपना नाम और अपने फर्म का नाम मेंशन कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है यार कि वो जो इन्विटेशन कार्ड है, वो जो ग्रीटिंग कार्ड है, वो सर्कुलेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स को। दैट इज सर्कुलेटेड ओनली टू रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो वो जो इन्विटेशन होगा सर, शादी के लिए होगा, मैरिजेस के लिए होगा, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए होगा, और वो सिर्फ रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स को ही इश्यू किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप अपने किसी प्रोफेशनल कलीग से काम मांगना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते यार कि यू नो आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि भाई मुझे अपने प्रोफेशनल कलीग से काम चाहिए। आप क्या कर सकते हो सर कि आईसीआई का जो जर्नल आता है, आईसीआई का जो न्यूज लेटर आता है, वहां सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के कैटेगरी में उस चीज को इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 140 के अंदर एक स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलता है जब ऑडिटर रिजाइन कर, जब ऑडिटर को निकाला जाता है बाय वे ऑफ स्पेशल नोटिस, तो वो जो स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन उसको मिलता है उसको वो मिसयूज नहीं करेगा, अपनी अनडिजायरेबल पब्लिसिटी नहीं करेगा, वरना उसको गिल्टी ऑफ सॉलिसिटेशन माना जाएगा। Then we have acceptance of work emanating from a client introduced by another chartered accountant. किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तुमको अपना क्लाइंट इंट्रोड्यूस कराया और तुमने उसी के क्लाइंट को छीन लिया, दैट इज नॉट अलाउड। एंड देन पब्लिक इंटरव्यूज, आप जब भी कोई पब्लिक इंटरव्यू वगैरह भी दोगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का ज्यादा गुणगान नहीं कर रहे हो, ज्यादा उसको हाईलाइट वगैरह नहीं कर रहे हो, क्योंकि आईसीआई का सिंपल फंड है भाई। काम जो तुम जो लोग है ना वो तुम अपने क्वालिफिकेशन की वजह से लो, अपने कॉम्पिटेंस की वजह से लो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मत लो। क्लॉज नंबर 7, अब क्लॉज नंबर 7 क्या कहता है सर, आप एडवर्टाइज नहीं करोगे। आप क्या नहीं करोगे, एडवर्टाइज नहीं करोगे, अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को एडवर्टाइज नहीं करोगे, अपने सर्विसेज, अपने डेजिग्नेशंस को एडवर्टाइज नहीं करोगे, मल्टीपल डेजिग्नेशंस को हाईलाइट नहीं करोगे। तो सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइजेस हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज और यूजेस एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स एंड साइन बोर्ड्स, ठीक है। लेकिन सेक्शन 7 याद है ना, सेक्शन 7 के साथ इसको अपने को कोरिलेट करके पढ़ना है कि हाउएवर ए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई और एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल में बी यूज्ड, और एक सीए चाहे तो राइटअप के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर सकता है। अब क्लॉज 7 के अंदर याद रखिएगा सर कि विजिटिंग कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है, क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अलाउड नहीं है, फोटोग्राफ अलाउड नहीं है, आईसीआई लोगो के अलावा कोई दूसरा लोगो अलाउड नहीं है, नॉलेज पार्टनर का डेजिग्नेशन आप यूज नहीं कर सकते हो, हम एसोसिएट्स हैं कि फलाने पार्टनरशिप फर्म का आप यूज नहीं कर सकते हो, हम आईएसओ सर्टिफाइड आप यूज नहीं कर सकते हो, हम अपना सिल्वर जुबिली वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप यूज नहीं कर सकते हो, आप अपना विजन या मिशन स्टेटमेंट अपने विजिटिंग कार्ड में लिख नहीं सकते हो, अदरवाइज आप क्लॉज 6 के तहत गिल्टी होंगे। एंड यू कैन नॉट हाईलाइट एनी रेजिग्नेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 7 के अंदर भी आपने ये चीज पढ़ी थी, दैट इज क्लॉज 7 रेड विद सेक्शन 7। एंड क्यूआर कोड को भी विजिटिंग कार्ड में यूज किया जा सकता है, बट क्यूआर कोड के अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए जो नॉर्मली अलाउड नहीं है, जैसे कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो गया, फोटोग्राफ हो गया, एनी लोगो अदर देन आईसीआई लोगो हो गया, नॉलेज पार्टनर हो गया, एसोसिएट्स ऑफ हो गया, आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके अलावा क्लॉज के अंदर काफी सारी चीजें सर आप रेफर कर लीजिएगा, अभी रिवीजन वीडियो के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मगर ब्रॉडली आप ध्यान रखना कि अगर एक सीए का नाम टीवी में आता है, फिल्मों में आता है, रेडियो में आता है, तब भी यू नो क्लॉज 7 लगता है। अगर एक सीए का नाम प्रोस्पेक्टस में आता है तब भी क्लॉज 7 लगता है। ग्लो साइन बोर्ड्स की बात करते हैं आउटसाइड द फर्म्स ऑफिस, तब भी क्लॉज 7 लगता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं सर आपको ध्यान रखनी है। अगर पार्टिकुलरली अगर अपन क्लाइंट के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, क्लाइंट के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्लाइंट के स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं या खुद के स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रेस में, तब भी जाके क्लॉज 7 लगता है। विजिटिंग कार्ड्स की बात करें सर तो क्लॉज लगता है, क्लॉज 7 लगता है। एज आई टोल्ड यू की मूवीज की बात कर रहे हैं, फिल्मों की बात कर रहे हैं, रेडियो की बात कर रहे हैं, एफएम की बात कर रहे हैं, क्लॉज 7 लगता है। सो ये सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर सर क्लॉज 7 लगता है। उसके बाद क्लॉज 8 की बात करें तो कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया पोजीशन एज ए ऑडिटर अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया पोजीशन एज ए ऑडिटर विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद द अर्लियर ऑडिटर, आपको क्या करना चाहिए सर? पुराने ऑडिटर से कम्युनिकेट करना चाहिए। और ये पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, इसे बोलते हैं कि ये पैरेलल कम्युनिकेशन है। आप स्टैट ऑडिटर हैं, आप प्रीवियस स्टैट ऑडिटर को कम्युनिकेट करें। आप इंटरनल ऑडिटर हैं, आप प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर को कम्युनिकेट करें। आप टैक्स ऑडिटर हैं, आप प्रीवियस टैक्स ऑडिटर को कम्युनिकेट करें। रीजन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है सर? कि अगर मान लीजिए सेक्शन 139, 140 कंप्लाई नहीं हुआ था तो आप ऑडिट एक्सेप्ट ही ना करें, राइट? अगर सेक्शन 139, 140 कंप्लाई नहीं हुआ था तो आप ऑडिट एक्सेप्ट ही ना करें। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया गया था एंड एटीट्यूड भी ऑडिटर का प्रॉपर था, तब इन दैट सिचुएशन इट माइट बी ए रीजन कि आप ऑडिट एक्सेप्ट ना करें। बट इसका एक पार्टिकुलर एक्सेप्शन है सिक यूनिट, इसका एक पार्टिकुलर एक्सेप्शन है सिक यूनिट। और ये जो कम्युनिकेशन होगा आरपीएडी के थ्रू होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू होगा, या फिर मेल आईडी के थ्रू होगा, या फिर यूडीन नंबर के थ्रू होगा। मेयर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। उसके बाद आता है सर क्लॉज नंबर 9। अब क्लॉज नंबर 9 क्या बोलता है? ए सी एन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वो एक्सेप्ट कर लेता है अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट एंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139, 140 एंड 141। ठीक है, तो 139, 140, 141 का कंप्लायंस एंश्योर करना है। 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात होती थी, 140 के अंदर रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड 141 इज अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। उसके बाद आता है क्लॉज नंबर 10। तो क्लॉज 10 क्या बोलता है सर? परसेंटेज बेसिस में ना फीस नहीं लेने का। तो एक सीएन प्रैक्टिस जिम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अगर वो चार्ज कर रहा है, ऑफर टू चार्ज कर रहा है, या एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफर टू एक्सेप्ट कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा फी जो कि बेस्ड होगा ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर कॉन्टिजेंट अपॉन फाइंडिंग्स। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसका जिक्र रेगुलेशन 192 के अंदर दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लिक्विडेटर हैं, अगर आप क्या है लिक्विडेटर हैं, तो इन दैट सिचुएशन लिक्विडेटर किस तरीके से फीस चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, तो माफ है यहाँ पे क्लॉज एग्जम्पशन है। अगर आप कॉपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर हैं तो सिमिलरली कॉपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर किस तरीके से फीस चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वर्क और वर्किंग कैपिटल और द ग्रॉस प्रॉफिट और द नेट प्रॉफिट्स। सो इन दैट सिचुएशन अगेन क्लॉज 10 से आपको एग्जम्पशन है। अगर आप एक वैल्यूअर है फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तब भी एक वैल्यूअर नॉर्मली जो फीस चार्ज करता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूड। सो अगेन आपको भी एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आप फंड रेजिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं सर तो आपको भी एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आप डेप्थ रिकवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आप परसेंटेज ऑफ डेप्थ रिकवर्ड के हिसाब से फीस चार्ज कर सकते हो, बिकॉज आईबीसी प्रोफेशनल्स को आज की तारीख में वो चीज अलाउ की गई है। तो क्लॉज 10 में एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तब भी आपको एग्जम्पशन दिया गया है, ठीक है जी। या फिर अगर आप एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन के काम कर रहे हैं तब भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। या फिर अगर आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टू द नॉन ऑडिट क्लाइंट्स, क्या कर रहे हो? नॉन एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो टू द नॉन ऑडिट क्लाइंट्स, तब भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद क्लॉज 11 वाज दूसरा बिजनेस नहीं करने का। तो अगर एक सीएन प्रैक्टिस कभी भी क्या करता है सर, कोई दूसरा बिजनेस या ऑक्यूपेशन करता है अदर देन द प्रोफेशन ऑफ सीए, तो काउंसिल का स्पेसिफिक परमिशन चाहिएगा। अगर बट यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है सर? नॉर्मली बोला गया है कि अगर आप किसी भी और बिजनेस या ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हो अदर देन द प्रोफेशन ऑफ सीए तो काउंसिल का आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिएगा। लेकिन एक मेंबर क्या कर सकता है सर? दूसरी कंपनी में ना डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकता है, मतलब एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर बन सकता है, एमडी नहीं बन सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, बट डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ क्लैरिफिकेशंस भी हैं कि अगर हम लोग बात करें तो ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अगर टेक्निकली स्पीक किया जाए, टेक्निकली बोला जाए तो सेक्शन 141 के हिसाब से ऑडिटर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि वहां पे एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन सेम कंपनी के रिगार्ड में है। बट यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि पब्लिक कॉन्शियस इज एक्सपेक्टेड टू बी अहेड ऑफ द लॉ एंड अकॉर्डिंगली वहां पे ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। उसके बाद जब आपने अपने टीचिंग आवर्स की बात करते हैं तो एक सीओपी, एक मेंबर जो क्या कर रहा है सर, जिसने सीओपी ले रखा है, जो प्रहार है, तो टीचिंग आवर्स शैल नॉट एक्सीड 25 आवर्स इन ए वीक, ताकि वो अटेस्टेशन फंक्शंस में भी क्या कर सके सर, फोकस कर सके। फिर रेगुलेशन 190A दिया हुआ है जहां पे जनरल परमिशंस की लिस्ट दी हुई है कि यहाँ पे ना जनरली परमिशन दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने, आपको अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड उसके अलावा अलग से रेगुलेशन है जहां पे आपको स्पेसिफिक परमिशन लेने की जरूरत है। इसको याद करने का फॉर्मुला भी दिया मैंने आपके लिए, हैप्पीएस्ट वीडियो, कि ये सीए इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड व्हेन ही वॉचेस द वीडियो एंड टू वॉच द वीडियो ही डज नॉट नीड एनी स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द आईसीएआई। तो रेगुलेशन 190A, ऑक्यूपेशन फॉर विच परमिशन हैज बीन ग्रांटेड जनरली, हैप्पीएस्ट वीडियो। सो हैप्पीएस्ट वीडियो इज जस्ट द फॉर्मुला टू लर्न. जैसे एच से आप देखोगे होल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रिन्यूएबल कमीशन, ए से आप देखोगे ऑथरशिप ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स, पी से आप देखोगे प्राइवेट ट्यूटरशिप, पी से आप देखोगे पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएआई, आई से आप देखोगे इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप इन चैरिटेबल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ई से आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट अंडर सी एन प्रैक्टिस, देन एस से आप देखोगे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नोटरी पब्लिक एंड जस्टिस ऑफ पीस, वी हैव टी से टू अटेंड क्लासेज एंड अपियर इन एनी एग्जामिनेशन, V से valuation of papers and acting as paper setter, I से insurance surveyor, D से dealing with holding with offices of public elective offices like MP, MLA, then E for editorship of professional journals, O for owning agricultural land. ठीक है. अब यहाँ पे सर काउंसिल ने ना अलग से परमिशन दिया कि इस चीज के लिए काउंसिल ने परमिशन दिया है फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस एंड एचयूएफ बिजनेस कि ये मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है सर, एक्वायर कर सकता है फैमिली बिजनेस. ये मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है सर, एक्वायर कर सकता है इंटरेस्ट इन एनी फैमिली बिजनेस इन एचयूएफ एज ए प्रोप्राइटरी फर्म और एज ए पार्टनरशिप फर्म और इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ एचयूएफ एज इट्स कर्ता और ए मेंबर. तो ये परमिशन काउंसिल ने अलग से दिया है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. लेकिन बस कंडीशन खाली किया है यहाँ पे कि ये जो इंटरेस्ट सीए के पास आ रहा है वो एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है, सक्सेशन आ रहा है या पार्टीशन ऑफ फैमिली बिजनेस आ रहा है. तो अगर एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेस, पार्टीशन ऑफ फैमिली बिजनेस मेरे को क्या मिल रहा है सर, इंटरेस्ट मिल रहा है अपने फैमिली बिजनेस में, तो मैं एक्वायर कर सकता हूं इन एचयूएफ. और फिर स्पेसिफिक परमिशन का लिस्ट दिया हुआ है कि कब कब आईसीआई का स्पेसिफिक परमिशन चाहिए. क्लॉज 12 अपन ने ऑलरेडी कर लिया. एक चीज याद रखिएगा सर कि क्लॉज 12 के साथ सेक्शन 26 का भी कोरिलेशन होगा, सेक्शन 26 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. अब जो पार्ट 1 था सर वो प्रैक्टिस वालों के लिए था और पार्ट 2 किसके लिए होगा सर, आदत एंड मेंबर इन प्रैक्टिस, सर्विस वालों के लिए. और ये याद रखिएगा इसमें क्लॉजेस दो ही है, ना देने का ना लेने का, लॉजिक सेम है. पार्ट 3 अब जनरली सबके लिए, ठीक है ना, जनरली सबके लिए. अब यहाँ क्या याद रखोगे देखना, क्लॉज 2 से क्लॉज 11 का फ्लो याद है ना, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिटेशन करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेने का, दूसरा बिजनेस नहीं करने का. पार्ट 2 में ना देने का ना लेने का. अब पार्ट थ्री में औकात नहीं भूलने का, क्या बोला मैंने, औकात नहीं भूलने का, औकात नहीं भूलने का. एंड जो मांगे वो चुपचाप देने का, जो भी इन्फॉर्मेशन आईसीआई मांगे वो चुपचाप देने का, औकात नहीं भूलने का. एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आईसीआई मांगे चुपचाप दे देने का, ठीक है ना जी. और राइट अप फॉल्स नहीं भरने का, राइट अप फॉल्स नहीं भरने का, राइट अप फॉल्स नहीं भरने का. और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको लगेगा पाप एंड लगेगा अदर मिसकंडक्ट. पार्ट 4 तो क्लॉज 1 पार्ट 3 के अंदर क्लॉज 1 अगर आप इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर नहीं है तब अपने आप को एज अ फेलो मेंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. क्लॉज 2 अगर काउंसिल ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगा है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने मांगा है, डिसिप्लिनरी कमिटी ने मांगा है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने मांगा है, एप्लेट ऑथोरिटी ने मांगा है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. क्लॉज 3 आप कोई भी राइट अप फॉल्स नहीं भरेंगे. और राइट अप भरते कहा है, क्लॉज 6 एंड 7 के अकॉर्डिंग भरते हैं, तो आप कोई भी राइट अप फॉल्स नहीं भरेंगे. एंड पार्ट 4 क्या चीज के लिए सर, आदर मिसकंडक्ट के लिए है. आदर मिसकंडक्ट मतलब क्या होता है सर, कि आदर एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एनी मिसकंडक्ट इन द पर्सनल लाइफ. क्योंकि अपने को समझना पड़ेगा कि सीए इन प्रैक्टिस इज नॉट ओनली एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाईएस्ट degree of professionalism in his professional affairs, but he is also expected to maintain the same in his personal life. ठीक है, वो चीज अपने को समझना होगा. अब यहाँ पे सर अदर मिसकंडक्ट दो जगह है, एक तो पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में है, एक पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में है. फर्क क्या है, आपने कुछ ऐसे कांड करे हैं जिससे आपको 6 महीने तक की जेल हुई है, आप पार्ट 4 वाले मिसकंडक्ट में आओगे. और अगर आपने कोई ऐसा कांड करा है कि आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है, तो आप सेकंड शेड्यूल वाले अदर मिसकंडक्ट में जाओगे. तो पार्ट 4 ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही इज हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी सिविल और क्रिमिनल कोड फॉर एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months. एंड इन द ओपिनियन ऑफ द इंस्टीट्यूट आप क्या कर रहे हो सर, इंस्टीट्यूट की बदनामी कर रहे हो, तो पापा को बदनाम नहीं करने का. उसके बाद आता है सर शेड्यूल 2 के अंदर. उसके बाद आते हैं सर सेकंड शेड्यूल के अंदर. तो सेकंड शेड्यूल के अंदर एज वी टोल्ड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 1 सी एन प्रैक्टिस के लिए है, 10 क्लॉजेस के बारे में है. और शेड्यूल 2 क्या था, जब आप क्लाइंट के प्रेमाइसेस में जाते हो. अब सोचो जब तुम क्लाइंट को देखते हो, क्लाइंट को देख के गुस्सा आता है कि नहीं, और सोचो अगर तुम 3-3 क्लाइंट को एक साथ देखोगे तो तुम्हारे मन में क्या आएगा, तुम्हारे मन में आएगा ट्रिपल सीज, ओ माई गॉड. क्या आएगा तुम्हारे मन में, ट्रिपल सीज, ओ माई गॉड. क्या मन आएगा, ट्रिपल सीज, ओ माई गॉड. क्या मन में आएगा, ट्रिपल सीज, ओ माई गॉड. एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया एंड क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड, एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया एंड क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। तो व्हाट इज ट्रिपल सी? ओ माय गॉड। तो C4 वी हैव confidentiality clause 1, C से वी हैव certification without examination clause 2, and C से वी हैव contingent upon future events clause 3. Then O से वी हैव opinion, that is expression of opinion clause 4, M से वी हैव material fact clause 5, M से वी हैव material misstatement clause 6, then G से वी हैव grossly negligence clause 7. Evidences भी नहीं लिए clause 8, standards comply नहीं किया clause 9, client का पैसा separate bank account में नहीं डाला clause 10. ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। और अलग से मैंने इनके लर्निंग टेक्निक्स के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करके दिए हुए हैं, जिसमें काफी टाइम लगाकर मैंने सिर्फ लर्निंग टेक्निक्स में फोकस किया है। तो क्लॉज 1 क्या कहता है सर? कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आपको क्या नहीं करना सर? एज ए सीएन प्रैक्टिस आपको अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना, और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बेसिक बातें आपने ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स में भी पढ़ा था। साथ में अपने को ध्यान रखना सर कि ऐसे 200 के साथ इसका कोरिलेशन आएगा, 143 सबसेक्शन 12 के साथ भी आएगा, क्योंकि 143 सबसेक्शन 12 एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सर क्लॉज 2 एंड क्लॉज 8 आपको हमेशा साथ में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, क्लॉज 2 क्लॉज 8 आप साथ में पढ़ोगे, क्लॉज 5 क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 साथ में पढ़ोगे। तो क्लॉज 2 क्या कहता है? ए सीएन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म ए रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट्स एंड द रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैज बीन मेड बाय him or his partner or an employee in his firm or another CN practice। कि ये CN practice क्या होगा सर? deemed to be guilty of misconduct होगा यदि वो सर्टिफाई करता है या अपने नाम पे सबमिट करता है या अपने फर्म के नाम पे सबमिट करता है ए रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनिंग बाय हिम। या तो खुद एग्जामिन करे या अपने पार्टनर से एग्जामिन करवाए या अपने एम्प्लॉय से करवाए या दूसरे CN प्रैक्टिस से करवाए, बट एग्जामिन कराए। एंड यहाँ पे अगेन अपन पार्टिकुलरली उन एरियाज की बात कर रहे हैं जहां पे अपने को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो है ही है, एंड फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय द एंटिटी। अब देखिएगा सर क्लॉज 8 भी आपने साथ में पढ़ना है। क्लॉज 8 साथ में क्यों पढ़ना है बता रहा हूं आपको। अब क्लॉज 8 क्या बोलता है? ए सीएन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। कि अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाए और उसके बाद भी आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप गिल्टी हो। अगर आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर पाए उसके बाद भी आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो तो आप गिल्टी हो। ठीक है ना? मतलब आइडियली आपको डिस्क्लेमर देना चाहिए था, बट फिर भी आप ओपिनियन क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप इन दैट सिचुएशन गिल्टी हो। अब क्लॉज 8 एक जनरल क्लॉज है, यहाँ पे सिर्फ उन एरियाज की बात नहीं हो रही जहां पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। क्लॉज 8 का जो होराइजन है वो वाइड है, क्लॉज 8 का जो होराइजन है वो वाइड है। अब देखिएगा क्लॉज 2 एंड क्लॉज 8 आपस में रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन नहीं करोगे तब आप एविडेंसेस भी ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं करोगे तब आप एविडेंसेस भी ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। तो क्लॉज 2 एंड क्लॉज 8 आपस में इंटर रिलेटेड है। खाली देखना यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है तो क्लॉज 2 लगेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है तो क्लॉज 8 लगेगा। उसके बाद क्लॉज 3 क्या कहता है सर? कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या कर रहा है सर? कुछ कॉन्टिजेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन दे रहा है। क्या कर रहा है सर? कॉन्टिजेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कि क्लाइंट आया है आपके पास और कह रहा है कि अगले 5 साल में हम इतना पैसा कमाएंगे, सर्टिफाई करके दे दो। तो आप इस तरीके की वाउचिंग कर रहे हो, आप इस तरीके से कॉन्टिजेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या कर रहे हो सर? अपना नाम रेंडर कर रहे हो। तो वहां पर क्लॉज 3 लगेगा। तो क्लॉज 3 क्या बोलता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट्स हिज name or the name of his firm to be used in connection with an estimate of earnings contingent upon future transactions in the manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast। खाली यहाँ पे सीए कब कब अपना नाम पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि अगर आपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर आपने बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर आपने जो एजम्पशंस लिए हैं वो एजम्पशंस क्लियरली मेंशन कर रखा है, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू कैन रेंडर योर नेम विद सच फोरकास्ट। उसके बाद क्लॉज नंबर 4 आता है, दैट इज ओपिनियन। अब एक सीएन प्रैक्टिस क्या नहीं करेगा सर, एक सीएन प्रैक्टिस कभी भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यदि उसका या उसके फर्म का या उसके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया सर, 20% या 20% से ज्यादा वोटिंग पावर, 20% या 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होना। तो क्लॉज 4 कहता है कि एक सीएन प्रैक्टिस क्या नहीं करेगा सर, कभी भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि उसका या उसके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% या 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होना। इसका कोरिलेशन सेक्शन 141 के साथ भी आएगा, इसका कोरिलेशन क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के साथ भी आएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा सर, क्लॉज 5 कहता है फेलियर टू डिस्क्लोज मैटरल फैक्ट एंड क्लॉज 6 कहता है फेलियर टू डिस्क्लोज मैटरल मिसस्टेटमेंट। क्लॉज 5 कहता है फेलियर टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट एंड क्लॉज 6 कहता है फेलियर टू डिस्क्लोज मैटरल मिसस्टेटमेंट। तो आपको अगर यदि ऑडिट करते हुए किसी मैटरल फैक्ट का पता चलता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है बट जिसका डिस्क्लोजर यूजर्स के लिए जरूरी है और आपने उस चीज के बारे में डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो आप डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है। और क्लॉज 6 बोलता है कि अगर आपको किसी मैटरल मिस स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत तरीके से डिस्क्लोज की गई है, तो इन दैट सिचुएशन एज इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी आपको उस चीज के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो डीम्ड टू बी गिल्टी है। और क्लॉज 7 बोलता है कि पूरे ऑडिट करते वक्त आप कहीं भी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करते हो, लापरवाही करते हो ऑडिट में, तब आप गिल्टी हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं लग रहा बट वो आपसे पूछ रहा है कि सीए गिल्टी है कि नहीं, लेकिन आपको लग रहा है यार सीए ने बेवकूफी करी है, यहाँ पे सीए ने कॉमन सेंस एक्सरसाइज नहीं करा है, तो वहां पे क्लॉज 7 लग जाएगा। क्लॉज 9 सिंपली सेज कि भाई ऑडिटर ने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई नहीं करा। एंड क्लॉज 10 सेज कि क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा। जो भी क्लाइंट का मनी है, जो भी क्लाइंट मनी दे रहा है अपने कामों के लिए, उसको अपने को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर ओन रेम्युनरेशन। तो वो जो क्लाइंट का मनी है वो अपन ने सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा। उसके बाद पार्ट 2। अब पार्ट 2 किसके बारे में सर, सीए इन जनरल के बारे में है। अब याद रखिएगा पार्ट 2 डबल सीज के बारे में है, पार्ट 1 ट्रिपल सीज के बारे में था, पार्ट 2 डबल सीज के बारे में है। अब डबल सीज ने क्या किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया और एम्बेजलमेंट ऑफ मनी करा। याद रखिएगा शेड्यूल 1 के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया था, याद है ना, शेड्यूल 1 के अंदर पार्ट 3 के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुआ था और यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है। पार्ट 2 के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है। तो डबल सीज प्रोवाइडेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी। तो C4 confidentiality for CN service, C4 confidentiality for CN service, C4 contravention of act regulation guidelines। तो clause 1 है part 2 का contravention of act regulation guidelines कि पूरे चैप्टर में जो भी एक्ट का पार्ट दिया है, रेगुलेशंस का पार्ट दिया है, गाइडलाइंस का पार्ट दिया है, CN प्रैक्टिस उसे वायलेट करता है तो वो गिल्टी होगा। clause 2 बोलता है confidentiality for CN service। clause 3 बोलता है कि अगर ICAI ने इन्फॉर्मेशन मांगा या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी या पीयर रिव्यू बोर्ड या अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा और CA ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो clause 3 के तहत गिल्टी होगा। एंड क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट एम्बेजलमेंट ऑफ मनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी कि मुझे इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी कि मुझे क्लाइंट ने पैसा दिया किसी काम के लिए, मैंने उसे इम्बजल कर दिया अपने पर्सनल कैपेसिटी, इन माय प्रोफेशनल कैपेसिटी। मैंने क्या कर दिया सर, इम्बजल कर दिया इन माय प्रोफेशनल कैपेसिटी, गोलमाल कर दिया, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। तो वहां पे क्लॉज 4 के तहत मैं गिल्टी होऊंगा। और अगर मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में इम्बजल कर दिया, मेरे दोस्त ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने उसे पर्सनल कैपेसिटी में इम्बेजल कर दिया, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं लगेगा। तो क्या हुआ सर, पर्सनल अदर मिसकंडक्ट तो लग ही जाएगा। इन दैट सिचुएशन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं लगेगा तो क्या हुआ, अदर मिसकंडक्ट तो लग ही जाएगा। एंड फाइनली वी हैव पार्ट 3 क्लॉज 1 दैट इज टॉकिंग अबाउट अदर मिसकंडक्ट, अगर यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा है। और चैप्टर का लास्ट पार्ट दिया सर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, जिसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। जैसे कि एक गाइडलाइन कहता है कि भाई एक सीएन प्रैक्टिस को यू नो प्रोफेशन नेग्लिजेंट नहीं होना था, ऐसा अपन ने क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में पढ़ा। सिमिलरली एक सीएन सर्विस को ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं होना इन द कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज एज एम्प्लॉय, ऐसा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में लिखा है। कहां लिखा, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में लिखा है। देन एक टैक्स ऑडिटर मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा काउंसिल जनरल गाइडलाइन में लिखा है कि कितना टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, 60। और एक पार्टनर सारे के सारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन भी कर सकता है इवन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है, एक सीएन प्रैक्टिस एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या नहीं करेगा सर, पुराने एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी ऑफ अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट पेड, एक्सेप्शन इज 6 यूनिट। ये बात भी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर दी हुई है। सीएन प्रैक्टिस को हर हाल में कैशबुक एंड लेजर अपने क्लाइंट का मेंटेन करना ही होता है। सीएन प्रैक्टिस को अपना कैशबुक एंड लेजर हर हाल में मेंटेन करना ही होता है, भले वो छोटा सीए हो बड़ा सीए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात कहां दी गई है सर, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में दी गई है। उसका इनडेप्टनेस का लिमिट, जो इनडेप्टनेस का लिमिट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो 1 लाख एक्सीड नहीं करना चाहिए सर, कहां दिया गया, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में दिया गया है। हालांकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन भी अपने को साथ में देखने होंगे। गाइडलाइंस ऑन टेंडर, ये चीज अपने को क्लॉज 6 में तो दिया ही दिया था, साथ में काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में भी दिया है कि एक सीएन प्रैक्टिस क्या नहीं करेगा सर, कभी भी टेंडर में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कभी भी टेंडर में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। The CA member of the institute in practice shall not respond to any tender issued by an organization or user of professional services exclusively reserved for chartered accountants such as audit and attestation services. ठीक है, however such restriction shall not be applicable where minimum audit fees for the assignment is prescribed in the tender document itself. कि मैं किसी टेंडर को तभी रिस्पॉन्ड करूंगा अगर वो टेंडर सारे प्रोफेशनल्स के लिए हो, अगर वो टेंडर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हो, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मैं उस टेंडर पे रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। फिर उसके बाद यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में भी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में बोला गया है कि वो फॉर्जरी वगैरह रोकने के लिए आज के टाइम में एक रिक्वायरमेंट है कि अपन कोई भी सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जीएसटी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जारी करेंगे तो हर किसी में यूडीन नंबर अटेस्ट करना होता है। और ये जो रिक्वायरमेंट है कब से एप्लीकेबल है सर, 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल है। फॉर ऑल द जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है, एंड फॉर ऑल अदर ऑडिट एश्योरेंस अटेस्टेशन फंक्शन 1 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल है। उसके बाद वी हैव लोगो गाइडलाइंस कि जो पार्टिकुलर लोगो होगा सीए का वो किस तरीके से होगा, तो जो लेटर सीए होगा वो टिक मार्क के साथ होगा, एक राउंडेड ट्रायंगल के अंदर होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होगा, जो सीए के अक्षर है वो ब्लू कलर में डिनोट किए जाएंगे, जो अपसाइड टिक है वो पार्टिकुलरली किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, वो ग्रीन कलर में डिनोट किया जाएगा। तो ये पार्टिकुलरली लोगों के गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, तो नॉर्मली अपन क्या नहीं कर सकता सर, एक सीए कभी भी कंपनी नहीं बना सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस चला सकता है, ओनली टू प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि हम और कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो इन दैट सिचुएशन वो एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस बना सकते हैं, एक कॉर्पोरेट फॉर्म में काम कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो एमडीज, डब्ल्यूटीडीज, मैनेजर्स भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी काफी सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जिसका कोरिलेशन क्लॉज 7 के साथ है, काउंसिल गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजमेंट। कि आजकल क्या सर, बहुत सारे ना वेबसाइट्स बनते हैं, और वो जो वेबसाइट्स होता है वो क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म में आइए, हमारे वेबसाइट्स में आइए, और साथ में क्या करिए सर, अपनी सर्विसेज रेंडर कीजिए। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, कुछ वेबसाइट वगैरह सेट कर रहा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वाइट कर रहा है टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, सो इन दैट सिचुएशन नो अदर सर्विस बिसाइड्स कंसल्टेंसी एंड एडवाइस कैन बी रेंडर्ड थ्रू सच वेबसाइट्स, नो अदर सर्विस बिसाइड्स कंसल्टेंसी एंड एडवाइस कैन बी रेंडर्ड थ्रू सच वेबसाइट्स। उसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ नेम और फर्म नेम बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन टेलीफोन और अदर डायरेक्टरीज पब्लिश बाय टेलीफोन अथॉरिटीज और प्राइवेट बॉडीज। तो यहाँ पे क्या बोला गया सर कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, दे मे हैव एंट्रीज मेड इन टेलीफोन डायरेक्टरीज, वो टेलीफोन डायरेक्टरीज में अपनी एंट्रीज डलवा सकते हैं, अपना नाम डलवा सकते हैं, या तो स्पेशल रिक्वेस्ट देकर या एडिशनल पेमेंट देकर। लेकिन कंडीशन ये होगा कि अलग से कैटेगरी होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसी कैटेगरी में उनका नाम होगा, फिल्म स्टार्स की कैटेगरी में उनका नाम नहीं होगा, सेलिब्रिटीज के कैटेगरी में उनका नाम नहीं होगा। जो ऑर्डर ऑफ एंट्रीज है वो अल्फाबेटिकल होना चाहिए, जो मेंबर्स ऑब्लिक फर्म है वो सेम शहर, सेम उसी पार्टिकुलर शहर को बिलोंग करने चाहिए, और एंट्रीज में किसी भी इस तरीके से एंट्री ना हो कि लगे कि यार हम किसी को हाईलाइट कर रहे हैं, हम किसी सीए का पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम किसी सीए का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। देन वी हैव एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसा कि अर्बन क्लैब है, अलग अलग प्रोफेशनल्स का नाम दिया हुआ है, पेंटर्स, कारपेंटर्स, ये वो। तो क्या आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप भी ऐसे किसी एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर के पास लिस्ट करोगे? द आंसर इज नो, इट इज नॉट परमिसेबल फॉर यू, क्योंकि इससे आपकी डिग्निटी खराब होगी, इससे आपकी डिग्निटी खराब होगी। एंड सर कुछ रेगुलेशंस भी दिए हैं फॉर आर्टिकलशिप्स, तो ये रेगुलेशंस भी आप रेफर कर सकते हो, कुछ रेगुलेशंस दिए हैं रिगार्डिंग आर्टिकलशिप। एंड ऑल्सो देयर आर काउंसिल गाइडलाइंस गिवन ऑन नेटवर्किंग, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग फॉर्म्स, कि अगर हम लोग बात करें सर कि एक नेटवर्क क्या होता है, तो व्हाट इज द नेटवर्क, जैसा अपन बात करते हैं ना कि एक सीए फर्म का नेटवर्क, तो एक नेटवर्क क्या होता है, तो एक कॉर्पोरेशन, काफी सारे सीए फर्म्स ने मिलकर क्या किया सर, एक नेटवर्क बनाया है, एक मॉडल बनाया है जहां पे वो सिनर्जी बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे, जहां पे वो प्रॉफिट या कॉस्ट शेयरिंग करेंगे, ओनरशिप को कंट्रोल, कॉमन ओनरशिप रखेंगे, कॉमन कंट्रोल रखेंगे, कॉमन मैनेजमेंट रखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज कॉमन होंगी, बिजनेस स्ट्रेटेजीज कॉमन होंगी, ब्रांड नेम कॉमन होंगी, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। कि आपस में कॉपरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट या कॉस्ट शेयरिंग कर रहे हैं, कॉमन ओनरशिप, कॉमन कंट्रोल, कॉमन मैनेजमेंट, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजीज, कॉमन ब्रांड नेम, तो उसको बोलते हैं अपन नेटवर्क बनाना। क्या बोलते हैं सर, नेटवर्क बनाना। और ये जो फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क है सर, ये पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में भी हो सकता है, एलएलपी के फॉर्म में भी हो सकता है, कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि एक फॉर्म एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है, एक फॉर्म एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है, और जिन फॉर्म्स में कॉमन पार्टनर्स हैं वो एक ही नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे। तो एक फॉर्म एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है और जिन फॉर्म्स में कॉमन पार्टनर्स हैं वो एक ही नेटवर्क ज्वाइन करेंगे। और ऐसा नेटवर्क बनाने से पहले आपको आईसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो नेम अप्रूवल है वो भी आपको आईसीआई से लेना पड़ेगा। द इंस्टीट्यूट विल अप्रूव और रिजेक्ट द नेम ऑफ द नेटवर्क। तो आप जब भी ऐसा नेटवर्क बनाओगे उसका नाम रखना पड़ेगा, आईसीआई को इंटीमेट करना पड़ेगा, आईसीआई से अप्रूवल आपको लेना होगा। एंड आईसीआई आपको क्या करेगा सर, अप्रूव करेगा कि आप ऐसा नेटवर्क बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो मेनली ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर में ध्यान रखनी है। दैट इज द चैप्टर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। नेटवर्किंग गाइडलाइंस एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुछ जजमेंट्स हैं, वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आपको लगता है कि यार इस पार्टिकुलर वीडियो से आपका रिविजन हुआ है, फास्ट रिविजन हुआ है और कम समय में आप प्रोफेशनल एथिक्स को रिवाइज कर पाए हो, तो यार डू गिव द वीडियो योर थम्स अप, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू और टेक केयर।